गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे अब डीसीएम टेस्ट सीरीज में अपने इनऑर्गेनिक के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनके लिए बात करते हैं। फर्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन ऑक्साइड इज नॉन पोलर, कौन सा नॉन पोलर है? देखते हैं, नॉन पोलर के बारे में बताना है अपने को। देखिए, अपन इसका एक तरीका बताएं, जैसे N2O4 देखते हैं, N2O4 की स्ट्रक्चर कैसी आ जाएगी? ये स्ट्रक्चर होगी, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जबकि N2O में देखें, ये ट्रिपल बॉन्ड कोऑर्डिनेट O, ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। N2O3 में देखें, N2O3 की स्ट्रक्चर कैसी मिलती है अपने को, डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट एंड डबल बॉन्ड O, तो यहां भी इक्वल डिवाइड नहीं है, इसलिए कैंसिल नहीं कर पाएंगे। जबकि N2O5 में बात करें, N2O5 में NO, N, डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट O, डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट O, तो यहां पर दो लोन पेयर हैं, तो ये वी शेप स्ट्रक्चर मिलेगी अपने को। वी शेप, टी शेप एंड पाई शेप जो भी स्ट्रक्चर्स होती हैं, उनका डायपोल मोमेंट कभी भी जीरो नहीं होता, इसलिए अपना आंसर कौन सा आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा 4th। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलो ऑक्टेट रूल, कौन सा ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, निम्न में से कौन सा अष्टक नियम का पालन करता है? अपन बात करें, बेटा सॉलिड लिखा हुआ है इसमें, सॉलिड का मतलब है यहां पर ये क्या बना रहे हैं, पॉलीमर बना रहे हैं, तो यहां पर क्या बनेगा, पॉलीमर। पर किसके द्वारा मिलेगा बेटा पॉलीमर, किसके द्वारा बनेगा पॉलीमर, 3 center 2 electron bond के द्वारा, किसके द्वारा, 3 center 2 electron bond के द्वारा, 3 center 2 electron bond के द्वारा क्या बनेगा, पॉलीमर बनेगा। जबकि यहां बात करें, यहां 3 center 2 electron 4 electron bond आएगा, 3 center 2 electron bond, परंतु ये हाइपर वैलेंट होगा, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखने वाला होगा। जबकि BeCl2 ये भी एक पॉलीमर है, इसमें बात करें बेटा BeCl Be, खूब n मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच हो जाएंगे, पॉलीमर बनाएंगे, तो यहां पर अपने पास ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो यहां देखिए, इस बेरिलियम का ऑक्टेट कैसे है, कंप्लीट है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर है, 2 यहां पर है और 2 यहां पर है और 2 यहां पर है, तो ये हाइपोवेलेंट, हाइपो और ये हाइपर और ये हाइपो, जबकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा किसमें, सॉलिड स्टेट में, कि ये पॉलीमर बनाएगा, इसलिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो अपना आंसर आ जाएगा बेटा कौन सा, थर्ड आंसर आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा अपने पास, थर्ड अपने पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, आउट ऑफ गिवन 4 salt विच सॉल्ट कंटेन एसिडिक हाइड्रोजन, कह रहा है किसमें एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन जो H+ की फॉर्म में बाहर निकल चुके। बेटा जी यहां बात करें, यहां पर जो हाइड्रोजन है वो कहां अटैच है, वह फॉस्फोरस से अटैच है, तो वो बाहर H+ की फॉर्म में बाहर नहीं निकलेंगे, तो मैं यहां बात करूं PO Cl- H+ H, तो यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। जबकि इसकी बात की जाए, यहां एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी आएगी, SOS डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH एंड ONa+ और ये माइनस, तो अपना आंसर आ जाएगा सेकंड। इसमें बात करें बेटा जी, इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये हाइड्रोजन है, ये भी कहां पर अटैच है बेटा जी, ये हाइड्रोजन है फॉस्फोरस से अटैच है, किसे, फॉस्फोरस से। इसमें बात करेंगे, ये हाइड्रोजन है, ये भी किससे अटैच है, फॉस्फोरस से अटैच है, फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड के ऊपर स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें अपने को पता लग जाता है, तो अपना आंसर आ जाएगा इसमें सेकंड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें, ऑन हाइड्रोलाइसिस डाइबोरेन प्रोड्यूस, बेटा जी डाइबोरेन B2A6 अगर अपन हाइड्रोलाइसिस करें, HOH करें, तो क्या बन जाएगा अपने पास, S3BO3
प्लस एच टू का फॉर्मेशन होता है हाइड्रोलाइज, एच थ्री बीओ थ्री प्लस एच टू का फॉर्मेशन होता है, ऐसा किस ऑप्शन में है अपने पास? तो आंसर आ जाएगा अपने पास सेकेंड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, Cl2 can be obtained by, बेटा जी डेकन प्रोसेस तो इसका फेमस प्रोसेस है Cl2 बनाने का, और डाउन सेल प्रोसेस और नेल्सन सेल प्रोसेस में साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में अपने को क्या मिलती है? Cl2 का फॉर्मेशन होता है, तो इसमें आंसर आ जाएगा अपना फोर्थ। ये प्रोसेस है जो आपको याद रखने हैं, कहां ये क्लोरीन वाले बना फॉर्मेशन मेथड में। Which of the following complex produce 3 mole of silver chloride when its 1 mole is treated with excess of silver nitrate? बेटा जी 3 mole Cl जिसमें मिलेंगे, 3 mole तो देखें यहां पर तो अपने कोई Cl नहीं मिलेगा, यहां पर देखें कोई Cl नहीं मिलेगा, क्योंकि कहां पर है? समन्वय क्षेत्र के अंदर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होता है वो ब्रेक नहीं होते। यहां कितने? यहां 2 Cl मिलेंगे। पूछा कितने बेटा? इसने 1 मोल ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, 3 मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड। AgCl के 3 मोल तभी मिलेंगे तब 3 Cl आएंगे तब। तो इसमें देखा ये 3 Cl अपने पास बाहर पड़े हैं, तो यहां पर अपने को कितने 3 Cl मिल जाएंगे, जो Ag से रिएक्शन करके क्या बना देंगे? AgCl, 3 AgCl का फॉर्मेशन कर देते हैं। कितने? 3 AgCl का फॉर्मेशन कर देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, An of a metal carbonyl is 36 if atomic number of metal M is 26, which what is the value of X? X का पता लगाना है अपने को, ये कौन है? 26 है। An का फॉर्मूला अपन कैलकुलेट कैसे करते हैं? An इक्वल टू एटोमिक नंबर 26 दे रखा है, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट तो इस पर जीरो आएगी, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड में कितनी होती है? जीरो। तो जीरो प्लस कितने? एक CO दो इलेक्ट्रॉन देता है, तो आपने माना कितने Cl है? X Cl है, तो अपन क्या कहेंगे? 2X कर देंगे। क्या कर देंगे? 2X, और En की वैल्यू कितनी है इसकी? 36 है, 36 इक्वल टू 26 प्लस 2X कितना आ जाएगा? 10। X की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ जाएगी, आंसर आ जाएगा बेटा अपना थर्ड आ जाएगा। ऐसा जब भी क्वेश्चन पूछे तो जो N यहां पता लगाना हो तो इसको X मान ले, ठीक है, उसको मान के अपन कर देंगे, आंसर आ जाएगा अपना फाइव, आंसर आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव आइडेंटिकल वैल्यू ऑफ द बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर बेटा डायटोमिक जितने भी हैं उनका बॉन्ड ऑर्डर किससे अकाउंट करते हो? एमओटी से अकाउंट करते हैं। तो अपन देखें एन टू प्लस और ओ टू प्लस, इसका 2.5, इसका भी 2.5, ठीक है, जबकि इनमें देखता एक जीरो, यहां देखते दो, एंड इसका कितना है? एक। तो वैसे तो अपना इसका कितना आएगा? दो। इसका कितना आएगा? तीन। एक ट्रिक बताई हुई है बेटा मेरी, तो अपना आंसर आ जाएगा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा इसमें। एक ट्रिक बताई, उस ट्रिक से आप जल्दी से कर सकते हो। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ MCO3 इज इन ऑर्डर, कार्बोनेट की थर्मल स्टेबिलिटी है वो टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होती है? इंक्रीज होती है। कार्बोनेट की थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज होती है। इनकी थर्मल स्टेबिलिटी पोलराइजेशन से दी जाती है, ध्रुवन से दी जाती है। पोलराइजेशन के व्युत्क्रमानुपाती होती है क्या थर्मल स्टेबिलिटी? पोलराइजेशन के इनवर्स होती है क्या थर्मल स्टेबिलिटी? तो टॉप टू बॉटम जाएंगे पोलराइजेशन डिक्रीज होगा, पोलराइजेशन डिक्रीज होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो यहां पर सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी किसकी मिलेगी? बीए की, फिर स्ट्रोंशियम की, फिर कैल्शियम की, फिर मैग्नीशियम की, एंड फिर बेरिलियम की। तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा अपना फर्स्ट आ जाएगा, कार्बोनेट की थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज होती है। बोरिक एसिड इज पॉलीमेरिक ड्यू टू, बोरिक अम्ल बहुलक बनाता है बेटा जी। जब भी बहुलक की बात करें बोरिक एसिड H3BO3 ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, किसके कारण? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है,
तो आंसर आ जाएगा अपना हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑन हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट द गैस इन्वॉल्व इज डाइक्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7। बेटा जी इसको हीट करेंगे तो बेटा जी जब भी अमोनियम आयन अधिक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाले आयन्स के साथ अटैच होता है तो N2 गैस या N2O गैस बनती है। तो यहाँ पर क्या बनेगी, ऐसा जब भी आए तो वाटर निकाल दिया करो, कितने मोल वाटर निकल जाएंगे, 4 मोल वाटर के निकल जाएंगे, पीछे क्या बच जाएगा बेटा N2 और साथ में क्या बनेगा ग्रीन कलर का Cr2O3 का फॉर्मेशन हो जाता है। तो कौन सी गैस निकलती है यहाँ पर, नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आयन ऑल द बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल, सभी बॉन्ड इक्वल नहीं है, जिसमें बेटा जी क्या, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन ऐसा आ जाए कि स्ट्रक्चर बनाए, बॉन्ड एंगल अगर सेम नहीं होंगे तो बॉन्ड लेंथ सारी सेम नहीं होंगी, बंध हमारे समान नहीं है। इसमें सारे बॉन्ड सेम हो जाएंगे, इसमें तो सारे बॉन्ड सेम मिलेंगे क्योंकि बॉन्ड एंगल सारे के सारे कितने हैं, 90-90 के हैं। कैसी स्ट्रक्चर होगी, ऊपर लोन पेयर, यहां लोन पेयर है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, तो सारे बॉन्ड सेम मिलेंगे। BF4 में बात करें यहां भी बॉन्ड एंगल सब में सेम है, परंतु C2H4 के लिए बात करें, C2H4 बेटा जी एक कार्बन कार्बन बॉन्ड है और एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड सेम नहीं होंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा कौन सा, फोर्थ आंसर आ जाएगा, क्या जाएगा, फोर्थ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, फोर्थ नहीं सॉरी, आंसर अपना कौन सा देगा, थर्ड आंसर आएगा बेटा, कौन सा, थर्ड आंसर आएगा इसमें, व्हाट कंसंट्रेट H2SO4 एक्ट एज मॉडरेटरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइज बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज बाय कंसंट्रेट H2SO4 इनटू टू गैसेस प्रोडक्ट। बेटा जी देखिए जब भी कंसंट्रेट H2SO4 आएगा तो बाहर SO2 गैस निकलेगी ही निकलेगी, अगर मैं कंसंट्रेट H2SO4 से कराऊं तो कॉपर सल्फेट मिल जाएगा अपने को और साथ में SO2 मिल जाएगी, परंतु इसने क्या पूछा है, टू गैसेस प्रोडक्ट होने चाहिए। तो अगर मैं कार्बन के साथ इसकी रिएक्शन कराऊं कंसंट्रेट H2SO4 तो कार्बन को किसमें ऑक्सीडाइज कर देगा, ये कार्बन को CO2 में ऑक्सीडाइज कर देगा, प्लस H2O बन जाएगा और साथ में SO2 बनेगा, तो अपने पास दो गैसें आ गई, तो अपना आंसर आ जाएगा सी। ये रिएक्शन है 64 नंबर क्वेश्चन, ए सब्सटेंस विच गिव ब्रिक रेड, ब्रिक रेड के बाद बात करें ब्रिक रेड फ्लेम एंड ब्रेक डाउन ऑन हीटिंग टू गिव ऑक्सीजन एंड ब्राउन गैस, ब्राउन गैस की बात कर रहा है बेटा, ब्राउन गैस कहां से मिलेगी अपने को, NO2, ठीक है कौन कौन, मैग्नीशियम नाइट्राइड, तो ये तो ब्रिक रेड कलर देगा ही नहीं बेटा, क्रिम्सन रेड और ब्रिक रेड, क्रिम्सन रेड कौन देता है, क्रिम्सन रेड स्ट्रोंशियम और लिथियम देते हैं ज्वाला परीक्षण फ्लेम टेस्ट, जबकि कैल्शियम कैसा देता है, ब्रिक रेड देता है, क्या ब्रिक रेड, तो अपना आंसर आ जाएगा कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट को अपन हीट करेंगे, कैल्शियम नाइट्रेट NO3 का होल ट्वाइस, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस NO2 गैस बन जाती है, और ये कैसा कलर देता है, ये ब्रिक रेड, ईंट जैसा लाल, ब्रिक रेड कलर देता है, ठीक है, तो अपना आंसर आ जाएगा सेकंड। ट्राई आयोडाइड आयन हैज ए लीनियर सिमेट्री विच बॉन्ड एंगल ऑफ 180 इन द स्ट्रक्चर ऑफ I3। बेटा जी I3 माइनस जो स्ट्रक्चर बताई, II एंड I माइनस, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, तो ये I2 में ये किसकी तरह लेविस एसिड और ये लेविस बेस की तरह बिहेव करता है, तो अपन बात करें I2 एक्ट एज लेविस एसिड वेल I माइनस लेविस बेस, पहला ही सही आ जाएगा अपना, ठीक है, तो अपना पहला ही, क्योंकि ये लोन पेयर दे रहा है, ये लोन पेयर देगा तो ये लेविस बेस और ये लोन पेयर लेगा तो लेविस एसिड, तो अपन बात करें तो अपना फर्स्ट ही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं,
चूज द करेक्ट ऑर्डर अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शन. कह रहे बोन एंगल, बोन एंगल का ऑर्डर देखिए बेटा ये रॉन्ग है. बोन एंगल यहाँ स्टेरिक इंट्रेंस लगेगा, तो बोन एंगल का ऑर्डर क्या है, Cl2O, H2O एंड F2O. तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया अपने पास. बोन एंगल का यही ऑर्डर दे रखा है, तो ये स्टेटमेंट अपना बिल्कुल राइट होगा. नेक्स्ट देख लेते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम. यहाँ बेटा कितने हैं, 3 लोन पेयर है, यहाँ 1 लोन पेयर है, यहाँ 2 लोन पेयर, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया. जबकि इसके लिए बात करें रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड, तो यहाँ पर इसके ये पीछे की ओर आएगा यहाँ पर, ठीक है. यहाँ ऑर्डर क्या आएगा बेटा, 2pi पाई, 2p पाई, फिर आएगा 2p पाई, 3d पाई, और फिर क्या आएगा, 2p पाई, 3p पाई. एक्चुअल में यहाँ पर d क्या होता है, झुका हुआ होता है, इसे बेंडेड होता है, तो वो क्या होगा, ओवरलैपिंग अच्छी होगी. अच्छी ओवरलैपिंग होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी. तो अपना आंसर कौन सा आ जाएगा बेटा, आंसर अपना आ जाएगा सेकेंड आंसर आ जाएगा. बाकी तीनों स्टेटमेंट कैसे हैं, रॉन्ग है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मेटलर्जी. इफ मेटलिक जिंक इज कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ वेपर, यहां वेपर की फॉर्म में अपने को मिल रहा है, यहां से बात करें बेटा, बाय द कार्बन रिडक्शन प्रोसेस द करेक्ट डायग्राम वुड बी रिप्रेजेंटेड. बेटा जी जब भी ये चेंज होता है, जब भी देखिए यहां पर जैसे ही ढाल चेंज होगी इसकी, इसका मतलब ये स्टेट चेंज हो रही है. ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेल्टिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये पॉइंट किसको कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. मतलब इस पॉइंट के आगे जब जो भी चीजें मिलेंगी अपने को, सारी की सारी किसे मिलेंगे अपने को, गैस से प्रोडक्ट मिलेंगे. देखिए यहाँ एक ही पॉइंट चेंज हुआ है, तो इसलिए मतलब यहाँ पर जिंक किसमें मिलेगा, यहाँ जिंक अपने को लिक्विड में मिलेगा. यहाँ देखिए यहाँ चेंज नहीं हुआ, तो पूरा का पूरा सॉलिड फॉर्म में रहा है. यहाँ देखिए यहाँ पहले अपने को यहाँ ही मिल गया है, इसी जगह पर मिल गया है जिंक, इसलिए जिंक यहाँ पर अपने को किसमें मिलेगा, यहाँ पर जिंक अपने को लिक्विड स्टेज में बनेगा. जबकि इसमें बात करें तो दो बैंड आ रहे हैं अपने पास, तो यहाँ मेरे को किसमें मिलेगा, गैसेस प्रोडक्ट मिलेगा. कैसा, गैसेस प्रोडक्ट मिलेगा. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन इन सीक्वेंस इन Br3O8 स्ट्रक्चर दे रखी है बेटा, आपको इसमें टेंशन ही नहीं होनी चाहिए. तो इसमें कितना आ जाएगा, +6 आ जाएगा. यहां कितना आ जाएगा बेटा, +6. यहां इन दोनों बॉन्ड के कारण 0, इनके कारण +4 और +6, 6 4 6, आंसर आ जाएगा सेकेंड. ये आपके आगे बेटा ऑर्गेनिक के आ चुके हैं. यहाँ तक अपने इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन बेटा जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे के वैसे थे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे. पेपर अच्छा था, नीट लेवल का था, ठीक है, कोई करेक्शन नहीं लगा था, नहीं कोई भी करेक्शन इसमें. मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू. हेलो एवरीवन, कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे. तो आपका DCM का जो मेजर पेपर है उसमें फिजिकल और ऑर्गेनिक वाले पोर्शन का आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, जो आपका MTS 5/12, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं फुल सिलेबस का आपका जो है वो पेपर है, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है रेडॉक्स रिएक्शन से जो है वो क्वेश्चन दिया गया है, और आपको ये पूछा है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन इन सीक्वेंस इन Br3O8, और इसका स्ट्रक्चर आपको गिवन है, ठीक है ना. स्ट्रक्चर नहीं भी गिवन होती तो भी भैया ये फेमस कंपाउंड है, इसके बारे में आपको ध्यान में ही रखना है. छोटा सा पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, जैसे मान लो अपने पास कुछ इस तरीके से बॉन्डिंग है, या तो ए और ए के बीच में जो वो सिंगल बॉन्ड है, या अपने पास ए और ए के बीच में मान लो डबल बॉन्ड है, या फिर ए और ए के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है. तीन तरीके से बॉन्डिंग हो सकती है. फिर मान लो अपने पास कंडीशन ऐसी है, दो अलग अलग एटम है ए और बी, ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड, और ए और बी के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड है. यहां पर मैंने ये कहा कि मैंने अजम्पशन लिया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी. ए ज्यादा विद्युत ऋणी है, बी कम विद्युत ऋणी है. और तीसरी कंडीशन अपने पास आती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ए कोऑर्डिनेट टू ए, या फिर ये भी हो सकता है बी कोऑर्डिनेट टू बी, या फिर एक कंडीशन ये हो सकती है ए कोऑर्डिनेट टू बी, और एक कंडीशन ऐसी हो सकती है बी कोऑर्डिनेट टू ए. तो भैया स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का रूल ये कहता है कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ना हो
तो इसकी वजह से इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा यानी जीरो, और इसकी वजह से इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा यानी एक दूसरे के कारण जो चार्ज आएगा वो कितना होगा, जीरो जीरो होगा। यहां पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो नहीं है तो जीरो जीरो, यहां पर भी जो है चार्ज जीरो जीरो। तो अगर दोनों परमाणु समान है या इनकी विद्युत ऋणता में अंतर नहीं है तो चार्ज जीरो जीरो यानी एक दूसरे की वजह से ऑक्सीडेशन नंबर जीरो। अब देखो जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है वो हमेशा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो ज्यादा विद्युत ऋणी का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो माइनस वन होगा, कम विद्युत ऋणी का प्लस वन। डबल बॉन्ड है तो इसका माइनस टू और इसका प्लस टू। ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका माइनस थ्री और इसका कितना हो जाएगा, प्लस थ्री हो जाएगा। फिर अपन कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करें, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भले ही कैसा ही हो जाए इसमें एक डोनर होता है एक एक्सेप्टर होता है। तो डोनर को ध्यान से देखना आप, ये अपने पास डोनर है ये एक्सेप्टर है, डोनर पर जो प्लस दो आएगा एक्सेप्टर पर माइनस दो आएगा। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करता है, डोनर देता है। तो एक्सेप्टर पर माइनस टू और डोनर पर प्लस टू, यहां पर जो है वो माइनस टू, सॉरी यहां पर डोनर पर प्लस टू और एक्सेप्टर पर माइनस टू, ठीक है। ये अपने पास एक स्पेशल केस है। और यहां पर जो है वो क्या होगा, ये अपने पास डोनर है तो इस पर जो है प्लस टू इस पर माइनस टू। ये केस अलग इसलिए है कि भैया इफ डोनर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, डोनर जो है वो ज्यादा विद्युत ऋणी है। और डोनर अगर ज्यादा विद्युत ऋणी होगा ना तो भैया ये एकमात्र केस ऐसा है जहां पर दोनों पर जो है वो चार्ज जीरो और जीरो आएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे भैया अपने पास जो है वो आइसोसाइनाइड, तो आइसोसाइनाइड ग्रुप में जो है वो सेम ये वाला ही केस निकल के आता है। तो स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के ये कुछ रूल होते हैं। अब इस कंपाउंड को ध्यान से देखते हैं तो भैया देखो जरा, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर माइनस टू होगा इस पर प्लस टू होगा क्योंकि भैया जी बेसिकली डबल बॉन्ड है। यहां पर माइनस टू इस पर अगेन प्लस टू, यहां पर माइनस टू इस पर प्लस टू, तो ओवरऑल इस ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, प्लस सिक्स। ये BrBr जीरो। अगर इस पर प्लस सिक्स है तो भैया इस पर भी कितना आएगा, प्लस सिक्स। ये माइनस टू, ये प्लस टू, ये माइनस टू और ये प्लस टू, इस पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, प्लस फोर। एक दूसरे की वजह से जीरो जीरो क्योंकि विद्युत ऋणता में अंतर नहीं है। तो आप देखना जरा क्या आया अपने पास ऑक्सीडेशन नंबर का सिक्वेंस, प्लस सिक्स प्लस फोर एंड प्लस सिक्स, ये अपने पास आ रहा है जो कि सेकंड ऑप्शन जो है इसका क्या है, करेक्ट है। तो उम्मीद करते हैं आपको जो है क्वेश्चन कंसेप्ट दोनों अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमें चलते हैं। क्वेश्चन अपने पास है भैया द ड्रग यूज्ड इन एन एंटी डिप्रेसेंट। तो भैया एंटी डिप्रेसेंट ड्रग जो है वो क्या होती है, जो अवसाद को दूर करती है, जब डिप्रेशन आ जाता है ठीक है तो उनको दूर करती है। तो बेसिकली इनमें जो है वो आपको पता है बारबिट्यूरेट्स होते हैं, ठीक है ना। लुमिनोल, भैया लुमिनोल का नाम जो है वो आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। क्या काम करता है ये, आपने जो है वो क्राइम इन्वेस्टिगेशन वाले शोज देखे होंगे टीवी पर, जैसे सावधान इंडिया हो गया या फिर CID वगैरह। ये जो है इनमें आपको पता है कहीं पर खून हो जाता है तो उस पर वो एक स्प्रे डाला जाता है, उस स्प्रे से जो है ब्लड साफ किया होता है, ब्लड साफ करने के बाद भी उस पर कलर आ जाता है और पता चल जाता है कि यहां से ब्लड साफ किया गया है। तो उनमें बेसिकली लुमिनोल होता है, उसका मेन कंपोनेंट लुमिनोल है। और लुमिनोल जो है वो क्या करता है, ब्लड के आयरन के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाता है, हीमोग्लोबिन का जो आयरन वाला पार्ट है उसके साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाता है और वो कलर्ड होता है। तो इसलिए जो है ये आपको बेसिकली ये बताता है कि भैया कलर ब्लड है या नहीं है, ब्लड के बारे में इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। टोफ्रानिल जो है वो अपने पास आपको याद रखना है, ये एक एंटी डिप्रेसेंट होता है। मेस्कैलीन है, सल्फाडाइएजिन, ये एक अपने पास एंटी बैक्टीरियल ड्रग होती है, ठीक है। और मेस्कैलीन जो है ये जो है वो अपने पास एक तरीके से आप बोल सकते हो कि भैया जैसे अल्कोहल पीने के बाद थोड़ा सा नशा होता है, वैसे ही ये नशीली दवाइयों में से एक है, पीछे वाले पार्ट पर सेरेब्रम पर जो है वो असर करती है, लेकिन ये जो है वो अपने पास एंटी डिप्रेशेंट नहीं होती है, ठीक है। तो ये अपने पास जो है इसमें कुछ याद रखना था आपको। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है भैया क्वेश्चन नंबर 70। तो इसमें जो है वो आपको सीधा सा बोल रखा है, प्रोडक्ट पूछा है। AlCl3 जो है वो आपको पता है क्या काम करता है, ये एक लुईस एसिड है। और लुईस एसिड जो है वो क्या करेगा भैया, ये अपने पास क्लोरीन है, क्लोरीन जो है वो इसको लोन पेयर देगा। सबसे पहले हमारे पास जो है वो क्या बनेगा भैया, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। और इलेक्ट्रोफाइल जब बनेगा तो भैया जी कंडीशन कुछ ऐसी आएगी, ये अपने पास कंपाउंड है, यहां से क्लोरीन निकल गया और क्लोरीन जैसे ही निकला तो इलेक्ट्रोफाइल जो बनेगा ना वो इसी CO पर बनेगा। ये वाला जो है वो अपने पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब देखो जरा कि ये वाला अटैक करेगा तो इसी कार्बन पर करेगा क्योंकि भैया यहीं पर जो है वो रिंग जो बनेगी वो ज्यादा स्टेबल होगी। तो यहां पर जब अटैक करेगा तो फाइनली अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो अपने पास ये बनेगा। फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन का जो है वो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। इसको ऊपर लगा दो चाहे नीचे लगा दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, IUPAC नाम तो क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो अपने पास फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन का जो है वो एग्जांपल निकल के आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े हैं। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन अपने पास जो है वो ऑर्गेनिक का है, आपको बोला है कि SN1 मैकेनिज्म। भैया आप याद करो कि SN1 के लिए रिएक्टिविटी
फोर एस एन वन, तो ये प्रोपोर्शनल होती है डायरेक्टली स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। भैया अपने पास जो है वो कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होती है SN1 के लिए रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होती है। अब यहां पर देखना जरा कि अगर कार्बोकेटाइन बनाऊंगा तो इससे कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा, ये वाला कार्बोकेटाइन अपने पास बनेगा। ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसके साथ जो है वो क्या कर सकता है, रेजोनेंस कर सकता है एक तरीके से। बैकबॉन्डिंग वाला कार्बोकेटाइन बन रहा है जो कि हाईली स्टेबल होता है, यहां से Br को हटाकर कार्बोकेटाइन बनाऊंगा तो सेम ऐसा ही कार्बोकेटाइन अपने पास, अगेन यहां पर भी सेम कार्बोकेटाइन बन गया। यहां पर जो है वो Cl को हटा के कार्बोकेटाइन बनाऊंगा, लेकिन ये वाला कार्बोकेटाइन जो है वो बैकबॉन्डिंग वाला नहीं है। क्यों नहीं है भैया, ये वाला कार्बोकेटाइन साफ दिख रहा है आपको, इसमें जो है कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, ठीक है। तो ये अपने पास कार्बोकेटाइन बनेंगे, ये दोनों सेम है और ये दोनों जो है वो इससे ज्यादा स्टेबल है, तो इसलिए मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भैया ये दोनों की रेट जो है वो इस वाले से क्या होगी, ज्यादा होगी, पहली बात। तो अब इन दोनों को कंपेयर करें तो अगर देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन सेम आ जाए तो इस केस में आपको जो लिविंग ग्रुप एबिलिटी देखनी है, हटने की समूह की प्रवृत्ति। लिविंग ग्रुप एबिलिटी का मतलब कौन सा आसानी से हट सकता है, जैसे आई और बी आर, यहां से आई माइनस बाहर होगा, यहां से बी आर माइनस बाहर होगा, तो इनमें से जो है वो आई माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। यू नो वेरी वेल दैट वीक बेसेस आर गुड लिविंग ग्रुप, तो आई माइनस जो है वो वीक बेस होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर कम होती है, तो इसकी वजह से। तो ये वाला अच्छा लिविंग ग्रुप है तो ये जल्दी से हटेगा, जल्दी कार्बोकेटाइन बनेगा, ये वाला थोड़ा धीरे हटेगा, लेकिन ये दोनों ही कार्बोकेटाइन इसके कंपेरिजन में क्या है भैया, ज्यादा स्टेबल है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा अपने पास, सबसे ज्यादा फर्स्ट, फिर आ जाएगा सेकंड, फिर क्या आ जाएगा भैया थर्ड आ जाएगा। ये अपने पास जो है वो ऑर्डर निकल के आएगा किसका भैया, एक तरीके से SN1 के लिए रिएक्टिविटी। तो उम्मीद करता है क्वेश्चन कंसेप्ट दोनों आपने अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट अपन चलते हैं, नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं। तो देखो अगेन अपने पास ऑर्गेनिक से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, आपका जो भी पॉलीमर वाला चैप्टर है या जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ उससे रिलेटेड हो सकता है, या फिर जो बायोमोलिक्यूल है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, वहां से जो है वो हर साल एक क्वेश्चन आता है भैया, बायोमोलिक्यूल हो गया या अपना केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ हो गया, पॉलीमर हो गया, एक एक क्वेश्चन आता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड, ठीक है भैया, गुट्टा पर्चा, गुट्टा पर्चा जो है देखो, एक तो अपने पास जो है वो क्या होता है भैया, सिस पॉली आइसोप्रीन, जो नेचुरल रबर अपन बोलते हैं ना, नेचुरल रबर सिस पॉली आइसोप्रीन, ठीक है। तो सिस फॉर्म जो है वो तो नेचुरल रबर होता है, और जो ट्रांसफॉर्म होता है उसको गट्टा पर्चा बोलते हैं या गुट्टा पर्चा बोलते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। एस्कॉर्बिक एसिड, ये एमिनो एसिड थोड़ी ना होता है, नाम एसिड लिखने से एमिनो एसिड थोड़ी ना, ये वाइटामिन होता है, आप अच्छे से पता है आपको, तो ये वाइटामिन है, ये गलत है। न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल होता है, सबको पता है। लैक्टोज डाइसेक्राइड होता है, सबको पता है। तो इसमें ये वाली चीज जो है वो क्या है, गलत है। पेपर बहुत ही जो है वो आसान है, पूरा पेपर एनसीईआरटी बेस है, आपको जो है वो लास्ट के तीन चार चैप्टर, लास्ट के छोड़ो, आप जो है वो केवल पिछले दो साल से जिस तरीके का एनटीए पेपर बना रहा है, चाहे वो जेई मेंस का हो चाहे नीट का हो, ठीक है, तो 100% एनसीईआरटी फॉलो हो रही है उसमें। तो आपको ये ध्यान में रखना भैया, कोई भी चैप्टर हो आपको एनसीईआरटी के साथ कवर करना ही करता है। जैसे ये क्वेश्चन है, अगेन एनसीईआरटी का ही पोर्शन है, एनसीईआरटी अपन फॉलो करते हैं, पूरी डीसीएम में एनसीईआरटी जो है वो फॉलो करी गई है। तो भैया यहां पर जो है वो आपको ये बोल रहा है, अपने पास एक कंपाउंड दिया है, ये क्या है, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड में जो है वो आपको पता है कि दो अल्फा हाइड्रोजन आपको यहां पर इसके पास दिख रहे होंगे, कंडीशन जो है वो CH3 CH2 CH और ये डबल बॉन्ड O, ठीक है, और साथ में जो है वो NaOH लिखा हुआ भी है, NaOH और हीट, साथ में आपको बोला एल्डोल करवाना है, ठीक है, एल्डोल पर रिएक्शन रोकनी है या आगे कंडेंसेशन करवाना, तो इसके लिए हीट दे रखा है, इसका मतलब पूरा एल्डोल कंडेंसेशन करवाना है। जब भी एल्डोल कंडेंसेशन करवाना हो तो सेल्फ एल्डोल करवाएंगे, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल दे रखा है। तो भैया इस केस में आप देखो क्या करोगे, किसी एक के ये दोनों अल्फा हाइड्रोजन ले लो, यहां H और यहां H में ले लेता हूं, इसको जो है मैं यहां से मिटा देता हूं, ठीक है, किसी एक के मैंने जो है वो दोनों अल्फा हाइड्रोजन ले लिए, अपने पास जो कंडीशन ऐसी आ गई। देखो शॉर्ट मेथड में आपको बता रहा हूं, ठीक है, और दूसरे का O ले लो और H2O बाहर कर दो इस तरीके से। तो जैसे ही H2O बाहर करोगे तो भैया हमारे पास कंडीशन ऐसी आ जाएगी, CH3 CH2 और ये CH, ये डबल बॉन्ड C और ये आ जाएगा CH3 और ये आ जाएगा भैया CH, ठीक है। तो ये अपने पास कंपाउंड बनेगा एल्डोल कंडेंसेशन का, एक तरीके से क्या है भैया, प्रोडक्ट है। ऐसा एक ही ऑप्शन अपने को दिखाई दे रहा है, कौन सा वाला, सेकंड वाला। तो कोई ऐसी चीज नहीं है भैया जो समझ में ना आए, पूरा पेपर जो है बहुत ही इजी है, कंसेप्चुअल पेपर है। अब देखो जरा आपको जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, आयनिक वाला चैप्टर, बहुत ही अच्छा चैप्टर, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर, ठीक है। तो एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंटेंस 0.1 मोलर NaOH और 0.1 मोलर NH4OH। देखो जी, एक तो जो है वो अपने पास है NH4OH, एक साथ में है भैया जी अपने पास NaOH। आप देखो जरा ये वाला जो है वो क्या है, ये वाला वीक है,
और ये वाला कैसा है, ये वाला जो है वो अपने पास स्ट्रोंग, एक वीक एक स्ट्रोंग, ठीक है। तो इस केस में जो वीक वाला है ना, अच्छा यहां पर जो है वो अगर ये टूटता है तो ये कैसे टूटेगा, एनएच फोर प्लस और ओ एच माइनस पे टूटेगा। ये वाला टूटता है तो ये कैसे टूटेगा, ये एन ए प्लस और ये ओ एच माइनस पे टूटेगा। इसका जो है वो अल्फा 100 से हमेशा क्या होगा, कमी होगा, और इसका अल्फा हमेशा कितना होगा, 100% होगा। आप याद करो, एक कंपोनेंट स्ट्रांग हो, एक कंपोनेंट वीक हो, ठीक है, और दोनों में कोई एक आयन कॉमन हो, तो यहां पर कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, और किस पर लगेगा, वीक कंपोनेंट पर कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। कहने का मतलब यह है कि हमारे पास देखना एनएच फोर ओ एच है, इसको मैंने पानी में मिलाया था, ये टूटा टूटा कुछ ऐसे टूटा एनएच फोर प्लस और साथ में ओ एच माइनस, ये कुछ इस तरीके से ब्रेक हुआ, क्लियर है बात। अब देखना कि ये पहले से ही कम टूट रहा था, अब आपने इसमें क्या कर दिया भैया, एनए ओ एच मिला दिया, और एनए ओ एच तो अपना कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ये 100% टूटेगा, जितना भी आप मिलाओगे पूरा टूट जाएगा। अब आप याद करो, केमिकल इक्विलिब्रियम याद करो, उसमें ली चेटेलियर जो है वो आपको ये कहता है कि भैया जी अगर आप क्या करते हो, इधर कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो इक्विलिब्रियम पीछे चला जाता है, आप अगर ये बढ़ा रहे हो यहां पर OH- की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो इसका इक्विलिब्रियम किधर चला जाएगा, पीछे की तरफ चला जाएगा, और जिससे इसका अल्फा पहले से ही कम था और कम हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं, यानी द सप्रेशन ऑफ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इन प्रेजेंस ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट, क्लियर है बात। अब देखना कि कैसे मैं निकालूं, कैसे जो है वो मैं इसके लिए जो है वो अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन निकालूं, भैया केमिकल इक्विलिब्रियम वापस से याद करो, आपने जो है वहां एक कंसेप्ट और पढ़ा होगा कि भैया दुनिया बदले बदले हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बिना ताप के किसी के बाप से ना बदले। कहने का मतलब है चाहे कुछ भी हो जाए, जो के होता है ना, के जो साम्य नियतांक होता है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, ठीक है, वो बिना टेम्परेचर के, बिना टेम्परेचर के बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। जब तक टेम्परेचर चेंज करोगे तब तक के नहीं बदलेगा, चाहे आप कंसंट्रेशन चेंज कर दो, चाहे वॉल्यूम चेंज कर दो, प्रेशर चेंज कर दो, आप इनर्ट गैस मिला दो, कुछ भी कर दो, टेम्परेचर जब तक चेंज नहीं होगा तब तक के चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो अब यही देखना आप कि इसको मैं कैसे निकालूंगा। मान लो ये अपने पास जो है वो कंडीशन है, ठीक है, अगर मैं इसके लिए के बी लिखना चाहूं, इसके लिए मैं के बी लिखूं, तो के बी बराबर देखो कैसे लिखूंगा मैं, एनएच फोर प्लस की कंसंट्रेशन, OH- माइनस की कंसंट्रेशन, और नीचे अपने पास आ जाएगा क्या, NH4OH की कंसंट्रेशन, ये KB आएगा। मुझे यहां से NH4 की कंसंट्रेशन निकालनी है, KB जो है वो उतना ही रहेगा भले ही कुछ भी बदल दो। NH4+ की कंसंट्रेशन जो है वो मुझे निकालनी है, भैया OH- की कंसंट्रेशन NH4OH इसकी कंसंट्रेशन आपको दी है, कितनी दी है भैया, 0.1 दी है, ठीक है, ये आपको 0.1 दी है। अब OH की कंसंट्रेशन कौन सी होगी, भैया देखो यहां से OH मिलेंगे आपको, ठीक है, कितने मिलेंगे, सी अल्फा, या जितने भी मिलेंगे मान लो एक्स मिलेंगे, और यहां से कितने मिलेंगे, यहां से 0.1 मिलेंगे, क्यों, NaOH की कंसंट्रेशन 0.1 दे रखी है, ये पूरा टूट जाएगा, इसके एक से इसका एक बनता है तो इसके 0.1 से इसका कितना बनेगा, 0.1। और भैया एक चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जब भी आप किसी भी स्ट्रोंग में या किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट मिलाओगे तो ज्यादातर जो आयन्स है, ज्यादातर H+ या OH- आयन है ना, वो स्ट्रोंग वाला प्रोवाइड करवाएगा, ये वाला X जो है वो इसके कंपैरिजन में जो है वो क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो आप जो है वो इसको नेग्लिजिबल कर सकते हो इसके कंपैरिजन में, टोटल OH- अपने पास सॉल्यूशन में कितने होंगे, X प्लस 0.1, और X इसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, इसको जीरो कर सकते हो, 0.1 से 0.1 कैंसिल, अपने पास अमोनियम आयन अप्रोक्सीमेट निकल के आ जाएंगे 10^-5, क्लियर है बात। तो इसी के आसपास अपना आंसर आएगा, यानी 10^-5 मोलर, ये अपना आंसर सही है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन कंसेप्ट दोनों आपके समझ में आ गया होगा। मैं जो है वो साथ साथ जैसे ही पेपर सॉल्व करवाऊंगा, तो ऐसा नहीं है भैया मेरे को आंसर निकालना है, मैं उसी आंसर या क्वेश्चन के आसपास की बातें भी आपसे करूंगा, इसके बाद में ही हम साथ साथ पेपर सॉल्व करेंगे। तो भैया नेक्स्ट जो पॉइंट है अपने पास, देखिएगा जरा, आपको बोल रहा है कि सॉल्यूशन वाले चैप्टर से क्वेश्चन है, आपको बोल रखा है कि द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ 1 मोल, ठीक है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ 1 मोल ए, ठीक है भैया, और ए का जो है वो आपको पी नोट ए, यानी ए के लिए प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर दे रखा है 2 मोल ऑफ बी, इसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर दे रखा है इज 200 टोर इन दिस केस। तो भैया इस केस में क्या होगा, आपसे ये पूछा है। आप देखो जरा कि हम बोलते हैं राउल्ट का लो क्या होता है अपने पास, पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी, ये हमारे पास जो क्या होता है, राउल्ट का नो होता है, राउल्ट का नियम होता है, समझे बात को। अब ये जो नियम है ना, इसमें अपन बोलते हैं कि मान लो दो चीजें हैं, एक तो थ्योरेटिकल वैल्यू है, एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। मेरे पास ए और बी का एक सॉल्यूशन था, मान लो इसमें जो है वो ए और बी है, ठीक है, ए और बी का एक सॉल्यूशन है,
पूरे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो मान लो राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग मैंने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी तो जो है वो अपने पास जो है वो कितना आना चाहिए था, 200 टोर आना चाहिए था। ठीक है, ये तो एक बात हुई कि फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी तो 200 टोर आना चाहिए था। और फिर जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि भैया एक्सपेरिमेंटली मैंने करके जो है वो निकाला कि भैया एक्चुअल में कितना वेपर प्रेशर आता है, कितनी वेपर जो है वो यहाँ पर प्रेशर लगाती है, जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंटली मैंने देखा कि ये प्रेशर जो आ रहा था वो 210 टोर आ रहा था या 200 से ज्यादा आ रहा था। तो आप सोचो जितना राउल्ट के अकॉर्डिंग आ रहा था उससे ज्यादा आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, धनात्मक विचलन। ठीक है, और अगर मान लो ये 200 नहीं आ रहा है, 200 से कम आ रहा है, ठीक, तो इस केस में इसको बोल देंगे हम ऋणात्मक विचलन। तो अब देख लो, आपको ये बोला है कि भैया इस मिश्रण का कुल वाष्प दाब जो है वो कितना आया, 200 टोर। आपको मिला कितना, 200 टोर। ये एक्सपेरिमेंटली डेटा आपको दे रखा है कि भैया 200 टोर जो है वो मिश्रण का कुल वेपर प्रेशर आपको मिला, 200 टोर। ठीक है, अब राउल्ट के लॉ से मैं चेक करता हूं कि कितना आता है, तो भैया यही मैं लगाऊंगा पी नॉट ए, ये तो आपको कितना दे रखा है, 150 दे रखा है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालो, खुद के मोल अपॉन सबके मोल, खुद के मोल एक है, इसके मोल दो है, टोटल मोल हो गए 3, तो ये हो जाएगा 1/3। प्लस पी नॉट बी कितना है भैया, पी नॉट बी है अपने पास 240 गुणा, और अपने पास जो एक्स बी कितना है, तो एक्स बी खुद के मोल 2, टोटल मोल कितने 3, ये जो है वो अपने पास कितना 50, और ये जो है वो अपने पास 160 भैया, ये आया 210। यानी राउल्ट के लॉ के अकॉर्डिंग आना चाहिए था कितना, 210। ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली मेरे को मिला कितना, 200, यानी राउल्ट के लॉ से कम मिला, तो कम मिला तो कैसा डेविएशन आएगा, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो उम्मीद करता है क्वेश्चन कंसेप्ट दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भैया ये है 76। इन ए बैंक देर आर मेनी कॉइन्स एज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1.6 माइक्रोग्राम ऑफ CH4, हाउ मेनी कॉइन्स आर देयर। आपको ये बोला है कि एक बैंक है और उस बैंक में जो है वो 1.6 माइक्रोग्राम, ठीक है, CH4 में जितने अणु है उतने सिक्के रखे गए हैं, तो सिक्कों की संख्या, कहने का मतलब है आपको इसमें मॉलिक्यूल पूछे हैं। बहुत ही सिंपल सा काम, मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन, मॉलिक्यूल पूछे, मैं मोल निकाल लेता हूं, तो मोल कितने गिवन मास है ना, माइक्रो है तो 10^-6 अपॉन मोलर मास CH4 का कितना होता है भैया, 16 होता है, तो ये अपने पास आ जाएगा 10^-7 मोल। ठीक है, अब कभी भी एक मोल में जो है वो हमेशा कितने अपने पास पार्टिकल्स होते हैं, एन ए पार्टिकल, अवोगाद्रो नंबर के इक्वल पार्टिकल होते हैं, तो भैया टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, या टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है, ये कितने के बराबर हो जाएगा, 10^-7 को अवोगाद्रो नंबर 6.022 इंटू 10^23 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया जी कैंसिल, कितना आएगा 6.022 इंटू 10^ कितना 16, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट। सिंपल सा काम है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो अगला क्वेश्चन जो है वो भैया अपने पास है क्वेश्चन नंबर 77। देखो जरा क्वेश्चन जो आया है यह है सरफेस केमिस्ट्री का। आपको जो है बोला है कि भैया एक ग्राफ दे रखा है आपको लॉग एक्स वाई एम और लॉग पी के बीच में, ठीक है, तो पहले तो मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूं। देखो जरा कि आपने जो है वो लैंगोमियर एड्सॉर्प्शन कर्व पढ़ा होगा, ठीक है, तो लैंगोमियर जो है वो आपको ये बोलता है, या फ्रॉन्डलिच, दोनों लगभग एक जैसे ही है, लैंगोमियर की बात हम करते हैं, तो वो कहता है कि भैया एक्स वाई एम जो है ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, पी की पावर 1/n के, ठीक है, पी की पावर 1/n के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां पर जो है जैसे ही आप प्रोपोर्शनल हटाओगे तो ये कांस्टेंट काम में आएगा, पी की पावर कितनी 1/n, ठीक है, अगर दोनों तरफ मैं लॉग ले लूं तो मेरे पास ये आएगा भैया लॉग एक्स वाई एम इज इक्वल टू लॉग के, ठीक है, अभी आ जाएगा लॉग के पूरा का पूरा ऐसा आएगा, तो लॉग ए इंटू बी को हम लॉग ए प्लस लॉग बी लिख सकते हैं, तो प्लस लॉग पी की पावर 1/n, और पावर किधर आ जाती है, सामने आ जाती है, तो मैं इसको डायरेक्टली जो है वो लिख रहा हूं 1/n सामने आ जाएगा, और ये आ जाएगा लॉग पी, क्लियर है बात, तो ये अपने पास जो है वो सारा काम हो गया। अब इसमें देखना जरा कि बेसिकली अपन देखें तो ग्राफ में बनाने की कोशिश करूंगा, वाई इज इक्वल टू ये आ जाएगा एम एक्स, और ये क्या आ जाएगा सी, यानी जो इंटरसेप्ट है वो तो लॉग के को बताएगा, जो इंटरसेप्ट है जो लॉग के है, ये लॉग टू की वैल्यू जो है वो लॉग के दे रखा है एक्चुअल में, और जो इसका स्लोप है वो 1/n को बताएगा। यहां पर मुझे पता है कि भैया स्लोप जो है वो होता है टेन थीटा, तो 10/45 की वैल्यू जो है वो कितनी होती है 1, यानी कि 1/n की वैल्यू जो है 1 दे रखी है, ठीक है, बस खत्म बात। तो मैं क्या बोलूंगा देख लो जरा कि log x/m इज इक्वल टू log k की जगह तो लिखूंगा log 2,
प्लस 1 बाई एन की जगह क्या लिखूंगा भैया, 1 बाई एन की जगह 1 बाई एन ही होगा, यानी 1 हो जाएगा ये, और लॉग पी, अब पी कितने पर निकालना है, 2 पर निकालना, तो ये हो जाएगा 2, लॉग 2 प्लस लॉग 2, तो ये जो है वो अपने पास लॉग 4 होता है, यानी कि 0.60, तो लॉग एक्स बाई एम इक्वल टू 0.60, और एक्स बाई एम जैसे ही हटाओगे तो ये 10 की घात में चला जाएगा, 10 की घात 0.60 का मान ही कितना होता भैया, 4 होता है, तो अपने पास जो है वो 4 इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, कई बार जो है आपको दिक्कत आ सकती है एंटीलॉग लेने में, लेकिन एंटीलॉग वाली जो कंसेप्ट है वो मैं ये मान के चल रहा हूं आपको आता होगा। अगर आपको दिक्कत आती है तो थोड़ा सा मैं आपको यहां पर लॉग के बारे में बता सकता हूं, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो लॉग लॉग लॉग, लेकिन लॉग का मतलब आपको जो है वो शायद समझ में नहीं आया होगा। देखो जरा कि लॉग का जो बेसिक मीनिंग है वो ये होता है, जैसे मान लो हम बोलते हैं लॉग 10, एक तो लॉग का बेस होता है 10, एक होता है ई, हम सारी कैलकुलेशन 10 बेस पर करते हैं, लॉग 10 बेस पर 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010, लॉग 10 बेस पर 3 की वैल्यू होती है 0.47, लॉग 10 बेस पर 5 की वैल्यू जो है वो होती है 0.69, लॉग 10 बेस पर 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, लॉग 10 बेस पर 100 की वैल्यू कितनी होती है 2। इसका मतलब समझो आप, इसका मतलब ये होता है कि भैया मैं 10 की घात में कितना लगाऊं कि 2 आ जाए। देखो जैसे लॉग 10 बेस पर, लॉग 10 बेस पर 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, इसका मतलब ये होता है कि 10 की घात में मैं कितना लगाऊं कि 2 आ जाए, 10 की घात में कितना लगाऊं कि 2 आ जाए, तो 10 की घात में आप 0.3010 रखोगे तो इसकी वैल्यू 2 होगी, यानी कि 10 की घात 0.3010 की वैल्यू कितनी होती है 2, ये मतलब होता है इसका। जैसे हम बोलते हैं ना कि 2 की घात 1/2 की वैल्यू 1.4 होती है, ठीक है, 2 की घात या 3 की घात 1/2 की वैल्यू जो है वो कितनी 1.732 होती है, ठीक है, वैसे ही 10 की घात 0.30 का मान 2 होता है। जैसे भैया ये लिखा मैंने लॉग 10 बेस पर 3 की वैल्यू 0.47, तो इसका मतलब है 10 की घात में कितना लगाऊं कि 3 आ जाए, तो भैया 10 की घात 0.47 की वैल्यू जो है वो कितनी होती है 3 होती है, ठीक है। जैसे यहां पर मैंने लिखा लॉग 10 बेस पर 5 की वैल्यू 0.69 होती है, यानी 10 की घात में कितना लगाऊं कि 5 आ जाए, तो 10 की घात 0.69 की वैल्यू जो है वो कितनी होती है भैया 5 होती है। क्लियर है बात। अभी मैंने कहा था कि भैया 10 की घात, मेरे पास ये आया था ना लॉग एक्स बाई एम, लॉग एक्स बाई एम इज इक्वल टू 0.60, ये आया था ना, तो मैंने जो है वो इधर से लॉग हटाया तो वो 10 की घात में चला गया 0.60, ठीक है, तो 10 की घात 0.60 की वैल्यू कितनी हो गई, 10 की घात 0.60 की वैल्यू 4 होती है, ठीक है, तभी तो हम बोलते हैं लॉग 4 की वैल्यू कितनी होती है 0.60, ठीक है। जैसे ये है, यहां से अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, 10 की घात में कितना लगाऊं, 10 की घात में कितना लगाऊं कि 10 आ जाए, बोलो, एक लगाना पड़ेगा, इसीलिए 10 की घात में 10 की वैल्यू जो है वो कितनी होती है 1 होती है। जैसे लॉग 100, 10 बेस पर 100 की वैल्यू 2, इसका मतलब 10 की घात में कितना रखूं कि भैया 100 आ जाए, तो 10 की घात में आपको 2 रखना पड़ेगा तो 100 आएगा, ये लॉग की वैल्यू होती है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपके समझ में आया होगा, लॉग का एक्चुअल मीनिंग जो है वो आपके समझ में आया होगा। लॉग जो काम में लिया जाता है वो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए लिया जाता है, लेकिन बेसिकली हम किसी क्वेश्चन में लॉग आ जाता है तो हम ये सोच लेते हैं क्वेश्चन टफ हो गया, ना ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो भैया अपने पास है क्वेश्चन नंबर 78, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, आपको बोल रहा है कि भैया एक क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स ए बी एंड सी, ए जो है वो बनाता है भैया एफसीसी पैकिंग, यानी ए जो है वो तो है भैया एफसीसी में, अब अगर एफसीसी में होगा तो ये कहाँ कहाँ होगा, एफसीसी में होगा तो जितने भी कॉर्नर है वहां होगा, इसके साथ जितने भी फेस सेंटर है वहां होगा, कॉर्नर वाले का कॉन्ट्राडिक्शन कितना होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है एक यूनिट सेल में 1/8, और टोटल कॉर्नर कितने होते हैं 8, प्लस फेस सेंटर वाले का कितना होता है 1/2, और टोटल फेस कितने होते हैं 6, तो इन सबको मिला के ये 4 आता है। फिर मैं बी की बात करूं तो बी कहां है, बी ऑक्यूपाइज ऑल ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स ऑफ ए, सारी की सारी ए में है, ठीक है, मतलब ए की जितनी भी ऑक्टाहेड्रल वर्ड है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड कहां होती है भैया एस सेंटर पर होती है, ठीक है, इसके साथ ही एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड होती है बॉडी सेंटर पर, ठीक है, और ओवरऑल जो है मिला के कितनी हो जाती है 4, क्योंकि ए सेंटर वाले का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/4 होता है, टोटल 12 एजेस है, एक बॉडी सेंटर है अपने पास, ठीक है। फिर सी जो है वो कहां है, सी है ऑक्यूपाइज ऑल टेट्राहेड्रल वर्ड ऑफ ए, टेट्राहेड्रल वर्ड कहां होती है भैया, एक जो बॉडी डायगोनल होता है उस पर 2 टेट्राहेड्रल वर्ड होती है, टोटल 4 बॉडी डायगोनल है, इसलिए टेट्राहेड्रल वर्ड अपने पास कितनी है भैया 8 है, ये अपने पास आ गया। अब आपको क्या बोला है, कंडीशन दी है कि अगर इफ ऑल द पार्टिकल्स अलोंग वन बॉडी डायगोनल आर रिमूव्ड, कि एक बॉडी डायगोनल के अलोंग जो है जितने भी पार्टिकल है वो सारे हटा दिए, आप सोचना मेरे पास कंडीशन जो है वो ऐसी आ गई,
ये अपने पास एफसीसी कंडीशन, ठीक है, और एफसीसी कंडीशन में अपने पास ए पार्टिकल जो है वो कहां कहां था, ये अपने पास ए पार्टिकल हो गया भैया, ठीक है, ये तो ए पार्टिकल हो गया, जितने भी कॉर्नर है वहां ए हो गया, और जितने भी अपने पास जो है वो एक तरीके से फेस सेंटर है यहां पर जो है वो ए हो गया। फिर बी पार्टिकल जो है वो आपको बोला है, बी पार्टिकल जो है वो बेसिकली है येलो, ये तो ए हो गया। अब बी पार्टिकल के बारे में आपको ये बोल रखा है कि बी पार्टिकल जो है वो कहां है, ऑक्टाहेड्रल वर्ल्ड में, ऑक्टाहेड्रल वर्ल्ड यहां होती है, ये जो ए सेंटर अपने पास होता है ये अपने पास सारे के सारे पार्टिकल बी के है, ठीक है, ये बी के पार्टिकल ए सेंटर, जितने भी ए सेंटर है, ठीक है, टोटल 12 एजेस है अपने पास, तो 12 ए सेंटर पर अपने पास जो है बी के पार्टिकल है, एक जो है बी होता है कहां पर, बॉडी सेंटर यानी कि यहां, ठीक है। फिर इसके बाद में जो है वो अगला पार्टिकल अपने पास कैसा है भैया, अगला पार्टिकल अपने पास सी, तो सी जो है वो मैं इसको ठीक से नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि ये बॉडी डायगोनल पर है, ये जो है अपने पास बॉडी डायगोनल है, और इस बॉडी डायगोनल पर, एक बॉडी डायगोनल पर इस तरीके से दो सी रखे हुए हैं, ये है टोटल व्यवस्था। अब आपको बोला कि भैया एक बॉडी डायगोनल से सारे पार्टिकल हटा दिए, आप सोचो जरा कि अगर आप एक बॉडी डायगोनल से सारे पार्टिकल हटा दोगे कौन कौन सा हटेगा, ये ए का पार्टिकल ये हट जाएगा, ठीक है, फिर इसके बाद में ये वाला हट जाएगा जो बॉडी डायगोनल पर, दो सी के पार्टिकल ये हट जाएंगे, एक जो बॉडी सेंटर वाला पार्टिकल है बी का वो हट जाएगा, और एक ये वाला पार्टिकल हट जाएगा, ये सारे पार्टिकल हट जाएंगे, ठीक है। यानी ओवरऑल दो पार्टिकल तो ए के चले गए, और ए के भी कौन से, कॉर्नर वाले दो चले गए, इसका मतलब कॉर्नर पर पहले 8 थे, अब कितने बच गए, अब 6, तो 1/8 × 6 प्लस 1/2 × 6, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 3/4, ये 3, तो टोटल जो है ये आ जाएगा अपने पास 15/ ये अपने पास कितना आया 3/4 और ये 3, तो ये अपने पास आ जाएगा 15/4, ठीक है। तो ये मेरे पास ए आ गया, बी वाला जो है वो एक बॉडी सेंटर वाला गायब हो जाएगा, बाकी सारे एज इट इज रहेंगे, तो ये वाला गायब हो गया, तो ये जो है बी वाला कितना आ जाएगा 3, और सी वाला जो है सी के दो गायब हो जाएंगे, जो दो एक बॉडी डायगोनल पर दो सी रखे ना वो गायब हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 6। ओवरऑल अपने पास ये आएगा ए जो है ये तो आ गया कितना 15/4, बी जो है ये आ गया अपने पास 3, और सी जो है वो कितना आ गया 6, तो मैं इसको जो सिंपलेस्ट फॉर्मूले जब बदलूंगा तो बी 3 और सी 6, इसको पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ए 15, ये आया 12 और ये आया 24, अभी ये 3 से कैंसिल हो रहा है, तो ए 5 बी 4 और सी 8, ऐसा कुछ फॉर्मूला आना चाहिए, ऐसा कोई फॉर्मूला ए 5 बी 4 सी 8 पहला ही दिया है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है भैया अपने पास 79, देखो क्वेश्चन जो है वो बेसिकली काइनेटिक्स का है, ठीक है, आपको क्या बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन, एक रिएक्शन दी है, ए इज कन्वर्टिंग टू बी, रेट कांस्टेंट इज, ये आपको रेस्ट कांस्टेंट दिया है, के की वैल्यू जो है 0.001 मोल सेकंड इनवर्स, कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, ये भैया एक जीरो ऑर्डर है, ठीक है, रेट कांस्टेंट की यूनिट से आपको पहचाना ऑर्डर कौन सा है, ठीक है। इफ वी स्टार्ट विथ 1 मोल ऑफ ए देन कंसेंट्रेशन ऑफ ए एंड सी आफ्टर 10 मिनट विल बी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको यह ध्यान में रखना है, जैसे रिएक्शन तो ये आ गई अपने पास बी प्लस सी, इनिशियली इसकी कंसेंट्रेशन ए नोट ये जीरो, ये जीरो, फिर 80 इज इक्वल टू ए नोट माइनस एक्स, जैसे जैसे 80 का मतलब होता है टी समय पर बची सांद्रता, तो समय के साथ मान लो ये तो टी बराबर जीरो पर, ये एट टी टाइम, तो टी टाइम पर, तो ये अपने पास जो है वो इसका x टूट गया, इसके x से इसका 1 बनता है, तो इसके x से इसका कितना बनेगा, x बनेगा, तो यानी एक तो x की वैल्यू आ जाएगी ना, तो a नोट माइनस x और x c, a और c दोनों आ जाएंगे, तो हमें पता है कि भैया फर्स्ट ऑर्डर के लिए a नोट माइनस at इज इक्वल टू kt, या फिर डायरेक्टली जो है वो जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट के लिए जीरो के लिए, जीरो के लिए x इज इक्वल टू जो है वो kt के बराबर होता है, ठीक है, जो x है वो kt के बराबर होता है, तो x की वैल्यू जो है k की वैल्यू दे रखी है भैया आपको जो है वो 0.001। अब ये वाली वैल्यू जो है वो सेकंड में है और टी आपको 10 मिनट में दे रखा है, तो भैया इसको जो है आपको क्या करना पड़ेगा, पहले बदलना पड़ेगा, ठीक है, सेकंड में बदलना पड़ेगा, यूनिट का खास ध्यान में रखना है, नीचे अपने पास जो कितना आ गया 1000, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 0.6, एक्स की वैल्यू 0.6 आई है, यानी अगर ये 0.6 है, ठीक है, ये इनिशियली 1 है, ठीक है, तो 1 माइनस 0.6, तो ये कितना बचेगा, ये तो बच जाएगा 0.4 और ये कितना बच जाएगा 0.6, ठीक है। तो भैया जी ए और सी आपसे पूछा, तो 0.4 और 0.6 जो है वो बचेंगे, ये अपने पास जो काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो अगला क्वेश्चन अपने पास है भैया क्वेश्चन नंबर 80।
80 का क्वेश्चन सॉल्यूशन वाले चैप्टर से अगेन, या इसको मोल कंसेप्ट से रिलेट कर सकते हो, रेडॉक्स में भी अपन पढ़ते हैं, सॉल्यूशन में भी पढ़ते हैं, मोलरता और मोललता के मध्य संबंध क्या होगा, है ना। फॉर्मूला वैसे तो आपको डायरेक्टली याद होगा, मैं आपको फॉर्मूले याद करने के लिए कभी सजेशन नहीं देता हूं, आपको जो है वो कंसेप्ट ध्यान में रखना है। देखो जरा कि मोलरता और मोललता का जो रिलेशन है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। मान लो कोई सॉल्यूशन है अपने पास जिसकी मोलरता एम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एम मोल्स, जिसकी मोलरिटी एम है, कैपिटल एम, तो एम मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 1000 ml सॉल्यूशन। ठीक है भैया, अपने पास कोई सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी अगर एम है, कैपिटल एम है, तो इसका मतलब यही होता है कि भैया 1000 ml सॉल्यूशन में या 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल होते हैं सॉल्यूट के वही मोलरिटी होती है। तो अगर मोलरिटी एम है तो इसका मतलब यही होगा। ठीक है, अब अगर मेरे को क्या करना है भैया, स्मॉल एम मेरे को कैलकुलेट करना है, तो मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नीचे जो है वो मास ऑफ सॉल्वेंट निकल के आता है, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मुझे जो है मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। अब देखना कि मास ऑफ सॉल्यूशन ये अपने पास बराबर होगा मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट के, मास ऑफ सॉल्वेंट यही होगा। मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट माइनस करना पड़ेगा। सॉल्यूट के मोल मेरे पास जो है वो कैपिटल एम है। अब एक मोल का जो मास होता है वो मोलर मास के बराबर होता है, तो एम मोल का मास जो है वो कितना हो जाएगा, एम इंटू मोलर मास, और आपको जो मोलर मास जो है ना वो दिया है कितना, m1। ठीक है, तो ये मोलर मास, तो ये तो आ गया मास ऑफ सॉल्यूट। अब मास ऑफ सॉल्यूशन कहां से निकालूं भैया, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है वो d है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन d। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, v इंटू d, और v जो है वो अपने पास कितना दे दिया, 1000 d। तो मास ऑफ सॉल्यूशन जो है वो अपने पास आ गया कितना, 1000 d। तो मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो मेरे पास निकल के आया, मास ऑफ सॉल्वेंट ये मेरे पास निकल के आएगा कितना, 1000 d माइनस m1, लेकिन ये आएगा किसमें, ग्राम में, क्योंकि आपने वॉल्यूम ml में रखा है। तो यहां पर जो है वो 1000 d माइनस m1 में लिख सकता हूं, और क्योंकि ग्राम में लिया तो ऊपर मेरे को क्या करना पड़ेगा, 1000 लगाना पड़ेगा। क्लियर, थोड़ा सा इसको ढंग से समझने के लिए मैं इसको रिएक्शन को फ्लिप कर देता हूं। तो मैं जैसे ही फ्लिप करूंगा 1/m ये हो जाएगा, इधर ऊपर चला जाएगा मेरे पास 1000 d माइनस m1, और नीचे जो है मेरे पास आ जाएगा 1000 m। ठीक है, अब इसको जो है मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखना जरा, 1/m इज इक्वल टू, इसको अलग करके लिख देता हूं, तो ये हो गया भैया 1000 d बाई 1000 m। ठीक है, माइनस m1 अपॉन 1000 m। ठीक है, एलसीएम जो है उसको मैंने अलग करके लिख दिया, तो ये आ गया भैया 1000 m। ठीक है, कैपिटल m, m से m कैंसिल हुआ, यहां 1000 से 1000 कैंसिल होगा। देखो जी रिलेशन क्या आ गया, 1/m इज इक्वल टू d/m माइनस m1 अपॉन क्या आया जी, 1000। इसको थोड़ा सा जो है वो मैं और इसको सही कर देता हूं, तो इसको इधर ले आता हूं, तो मेरे पास जो ये रिलेशन निकल के आ जाएगा क्या, d/m इज इक्वल टू 1/m प्लस m1/1000। चेक करो ऐसा कोई रिलेशन बन रहा है क्या। ठीक है, बिल्कुल भैया हमारे पास जो है ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल ठीक ऐसा ही है। इस तरीके से जो है आपको क्या करना है, डेराइव करना है, नई चीज कुछ भी नहीं है, वो ही चीजें हैं। ठीक है ना, बस डेरिवेशन आपके सामने है, अच्छा कंसेप्ट है। मैं आपको कभी भी फॉर्मूला याद रखने के लिए सजेस्ट नहीं करता हूं, भाई कितने फॉर्मूले याद करोगे, पूरी साइंस फॉर्मूले से भरी पड़ी है, फिजिक्स में इतने फॉर्मूले, केमिस्ट्री में इतने, तो कंसेप्ट याद रख लो ना, कंसेप्ट याद रख लो, ताकि जो है वो भूलोगे नहीं, फॉर्मूला तो फिर भी भूल जाओगे। नेक्स्ट जो है वो अपन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया क्वेश्चन नंबर 81, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आपको जो है ये बोल रखा है कि एन आइडियल गैस इज टेकन अराउंड द साइकिल ABCDA, यानी कि इसको जो है कुछ इस तरीके से आइडियल गैस को अलग अलग आप बोल सकते हो स्टेजेस से गुजारा गया, एज शोन इन PV, P और V का ग्राफ दे रखा है। द नेटवर्क डन ड्यूरिंग साइकिल इक्वल टू, देखो साइक्लिक जो अपने पास होता है, साइक्लिक प्रोसेस जो होता है उसमें अगर आपको वर्क डन निकालना है तो भैया वहां पर आपको क्या करना होता है, वहां पर आपको काम इतना करना होता है, जो पीवी एरिया होता है, पीवी कर्व, एरिया ऑफ पीवी कर्व, ये जो है वो अपने पास किसके बराबर होता है, वर्क डन के बराबर होता है। ठीक है, एरिया ऑफ पीवी कर्व ये जो है वो वर्क डन के बराबर होता है, तो आपको इसका एरिया निकालना है। अब ध्यान ये रखना है कि आपको दो तरीके का साइकिल मिलेगा, पी और वी।
या तो जो है वो साइकिल जो है वो मिलेगा, ये जो एरिया है ये जो है वो पहली बात तो W के बराबर है, या तो ये साइकिल जो है वो ऐसा लगा हुआ आएगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज लिखा हुआ आ जाए तो नेगेटिव होगा, वर्क डन जो है वो कैसा होगा नेगेटिव, और वर्क डन नेगेटिव होगा यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, ठीक है। और भैया अगर ये ही एंटी क्लॉकवाइज आ जाए, पी और वी का जो है वो साइकिल अगर आपको जो है वो एंटी क्लॉकवाइज लिख के दे, कुछ इस तरीके से लिख के दे, एंटी क्लॉकवाइज जो है वो आ जाए, ठीक है, ऐसा हो गया ना एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ऐसा हो गया, हाँ, तो एंटी क्लॉकवाइज आ जाए तो भैया यहां पर जो वर्क डन है, वर्क डन ये जो है वो पॉजिटिव होगा, यानी ये वर्क डन ऑन सिस्टम होगा, क्लियर है। अब पहली बात तो देखो ये साइकिल कैसा है, ये साइकिल जो है वो क्लॉकवाइज आ रहा है, यानी वर्क डन जो है वो कैसा होगा नेगेटिव होगा। अब मैं ये एरिया निकाल लेता हूं, तो ये एरिया निकालूंगा तो भैया देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होता है, ठीक है। तो अपने पास जो बेस 1/2, बेस कितना आ गया भैया ये देखना जरा, ये अपने पास बेस है तो 3v1 में से 2v1 माइनस कर दो, v1 माइनस कर दो, ये 2v1 आ जाएगा, और ये हाइट आ गई तो ये 6p1 में से p1 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 5p1, ये हो जाएगा कैंसिल, तो अपने पास जो ये आया भैया ओवरऑल 5p1v1, और क्योंकि जो है वो ये कैसा है नेगेटिव है तो नेगेटिव मुझे लगाना पड़ेगा, तो ये आएगा भैया अपने पास -5p1v1, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन कंसेप्ट समझ में आया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है भैया ये जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको ये बोल रहा है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ZN, मतलब एक तरीके से आपको इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, कितना है माइनस का 0.76 वोल्ट है, माइनस का 0.76 वोल्ट है, तो इसका मतलब जिंक हाइड्रोजन से क्या आएगा भैया ऊपर आएगा, ECS में हाइड्रोजन से ऊपर आएगा, ठीक है। और ऊपर वाले जो है वो अपन बोलते हैं कि अपचायक होते हैं, नीचे वाले ऑक्सीकारक होते हैं, तो आपको पहले बोल रखा है ZNO इज रिड्यूस्ड बाय जिंक बाय हाइड्रोजन, ठीक है भैया। देखो हाइड्रोजन जो है ना वो इसको रिड्यूस करेगा, ठीक है, कहने का मतलब है बेसिकली ZNO प्लस H2 और ये रिएक्शन जो है वो जिंक प्लस साथ में H2O, ये रिएक्शन संभव है या नहीं है, आपने ये चीज पढ़ी होगी कि भैया अधिक ECS में जो ऊपर आता है, ठीक है ना, ECS में जो ऊपर आता है वो ज्यादा क्रियाशील होता है, तो ज्यादा क्रियाशील कम क्रियाशील को हटाता है, न कि कम क्रियाशील ज्यादा क्रियाशील को, ऊपर वाला नीचे वाले को हटा सकता है, नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं हटा सकता, तो ये चीज संभव नहीं है, ठीक है ना, तो ये वाला जो है वो संभव नहीं है। जिंक कैन नॉट रिएक्ट हाइड्रोजन विद डाइल्यूट एसिड, भैया जिंक तो रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन से ऊपर आने वाली जितने भी मेटल है वो डाइल्यूट एसिड जैसे डाइल्यूट H2SO4 जितने भी नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड होते हैं उनके साथ मिलकर जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, तो ये वाला भी गलत हो गया। जिंक इज जनरली द एनोड इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, बिल्कुल सही बात है भैया, ऊपर वालों का जो है वो ऑक्सीडेशन आसानी से होता है, दूसरों का वो अपचेन करते हैं और एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन ही होता है, तो जिंक जो है वो नॉर्मली एक इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव कर सकता है, एक एनोड की तरह बिहेव कर सकता है, जनरली कैथोड की तरह बिहेव नहीं करेगा। हाँ, जिंक से ज्यादा रिएक्टिव इलेक्ट्रोड अगर जिंक के साथ कोई ले लो, ऐसी कोई मेटल ले लो जो ECS में जिंक से ऊपर आती हो, ठीक है, उसके साथ जो है वो जरूर जिंक जो है वो कैथोड बन सकता है, लेकिन जनरली जिंक एनोड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया भैया क्वेश्चन नंबर 82। हाँ तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है देखो क्वेश्चन नंबर 83, गैस स्टेट का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको बोल रहा है द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ गैस इज ग्रेटर देन यूनिट एट STP, देयरफॉर देखो हमारे पास जो है कोई भी एक मोल गैस होती है, आइडियल गैस होती है, तो उसका वॉल्यूम जो है वो कितना होता है STP पर 22.4 लीटर होता है, लेकिन रियल गैस का वॉल्यूम या तो 22.4 से ज्यादा होगा या फिर कम होगा, ठीक है। तो अगर ये वॉल्यूम जो है रियल, वी रियल जो है वो वी आइडियल से ज्यादा आता है, ठीक है, तब तो हम बोलते हैं वो पॉजिटिव डेविएशन शो करती है गैस, और अगर वी रियल जो है वो वी आइडियल से कम आता है तब वो नेगेटिव डेविएशन शो करती है। अब जेड की वैल्यू जो है वो अपने पास यही होती है वी रियल अपॉन वी आइडियल, ठीक है। तो अब इस केस में आपको बोल रहा है कि देखो जेड की वैल्यू एक से ज्यादा है, जेड की वैल्यू एक से ज्यादा कब आएगी, जब वी रियल जो है वो वी आइडियल से क्या आएगा, ज्यादा आएगा, तो वी आइडियल कितना है 22.4, तो इसका मतलब वी रियल जो है वो ग्रेटर देन होगा 22.4 लीटर से, ठीक है ना। तो ये अपने पास फर्स्ट आंसर इसका सही हो जाएगा, ये है भैया क्वेश्चन नंबर 83। इसके बाद 84 देखना, अगेन गैस स्टेट का क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी सिंपल सा काम है आपको पूछी है, तो भैया काइनेटिक एनर्जी के लिए जो है वो आपको जो है पता होना चाहिए 3/2 RT, ये होती है भैया अपने पास काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल, ठीक है, एक मोल के लिए। अगर एन मोल की बात करें
तो अपने पास आ जाएगा 3/2 एन आर टी, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन मोल। तो यहां पर 80 ग्राम मिथेन की आपको काइनेटिक एनर्जी पूछी है, 80 ग्राम मिथेन का मतलब 80/16 कितना हो गया, 5 मोल के लिए काइनेटिक एनर्जी पूछी है। तो मैं क्या लिखूं, देखो जरा, 3/2 एन की वैल्यू 5, आर की वैल्यू कैलरी में, क्योंकि इसने किलो कैलरी में पूछी है, तो 2। टेम्परेचर जो है वो कितना दे रखा आपको, 227 दे रखा है, तो 500 हो जाएगा केल्विन में, ये 500 गुणा 2 ये कितना हो गया 1000, ठीक है, और ये अपने पास आ जाएगा कितना 7.2 और 1000 किलो और फिर ये कैलरी, तो 7.5 किलो कैलरी ये अपने पास आंसर आएगा, ठीक है। तो सीधा सा काम है, नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो अपने पास है क्वेश्चन नंबर 85। देखिएगा, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन टर्म्स ऑफ रिडबर्ग कॉन्स्टेंट, ठीक है भैया, रिडबर्ग कॉन्स्टेंट की टर्म में आयनाइजेशन एनर्जी, हमें पता है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी ये होती है भैया इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट पर लेके जाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। मान लो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी इवन है और इनफाइनाइट की एनर्जी कितनी होती है, 0, तो आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी क्या, इनफाइनाइट की एनर्जी माइनस इवन। यही तो करते हैं कि भैया जिन भी दो अपने पास एनर्जी लेवल के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है उन दोनों का एनर्जी डिफरेंस अपन लेते हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो माइनस ऑफ इवन के बराबर होती है, ठीक। अब रिडबर्ग कांस्टेंट की टर्म में जो इवन है भैया, इसकी वैल्यू, वैसे तो हम इवन की वैल्यू कितनी 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, ठीक है, और यही एनर्जी रिडबर्ग कांस्टेंट की टर्म में आती है भैया आर एच सी। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू जो है, रिडबर्ग कांस्टेंट की टर्म में जो है ये वैल्यू इतनी आती है अपने पास, ठीक है ना। तो अब इस केस में जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पास इवन जो है वो आपको दे रखा है, ठीक है, यानी इवन जो है वो कितना है माइनस आर एच सी, और यहां पर रखूंगा माइनस इवन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास आर एच एच सी। आर एच का मतलब रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन, ये हो गया। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है भैया क्वेश्चन नंबर 86। अब जो सेकंड सेक्शन है नीट का नया पैटर्न आपको पता होगा, टोटल 50 क्वेश्चन हो गए, 35 क्वेश्चन जो है वो करने कंपलसरी है, उनमें से जो है वो आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, कोई भी आपके पास चॉइस नहीं है। जो दूसरे 50 क्वेश्चन, जो अगले 15 क्वेश्चन है, उनमें से 10 क्वेश्चन जो है वो आपको सिलेक्ट करने अपनी मर्जी के जो आपको आते हैं, 5 क्वेश्चन आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, ठीक है ना। टोटल आपको वही 45 क्वेश्चन करना है, टोटल जो है 45 से ज्यादा अटेम्प्ट करके नहीं आने, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इस सेक्शन में अपन को तो सारे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, स्टार्ट करते हैं। इफ PCl5 इज 80% डिसोसिएटेड एट 523 केल्विन, कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर एट 523 केल्विन। देखो जरा कि PCl5 जो है जब ब्रेक होगा तो अपने पास बनेगा भैया PCl3 और साथ में Cl2, इसका इनिशियली एक मोल, ये जीरो ये जीरो, फिर ये हो जाएगा 1 - अल्फा, ये अल्फा ये अल्फा, एन थियोटिकल तो मैंने कितने लिए थे 1, थोड़ी देर बाद में पात्र में कुल मोल, कंटेनर में टोटल मोल जो है वो कितने हो जाएंगे 1 - अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, तो ओवरऑल जो है ये 1+α आएगा। और हम वेपर डेंसिटी मेथड से अल्फा कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं भैया, एन ऑब्जर्व अपॉन एन थियोटिकल इज इक्वल टू डी थियोटिकल अपॉन डी ऑब्जर्व, ये काम अपन करते हैं। तो इस केस में एन ऑब्जर्व जो है वो है 1+α, एन थियोटिकल तो 1 है, डी थियोटिकल, अब थियोटिकल वेपर डेंसिटी क्या होती है, मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। इनिशियली अपने पास जो है वो कितना था भैया, इनिशियली केवल PCl5 था, तो PCl5 का मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड कर दो 2 से, PCl5 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 208, ठीक है, 0.5, तो ये अपने पास जो है वो आ जाएगा कितना 104.25, ठीक है, डिवाइड बाय डी ऑब्जर्व। अब देखना जरा कि भैया अल्फा आपको दे रखा है कितना 80% और आपको यही पूछ रखा है डी ऑब्जर्व, ठीक है ना, वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, तो मिक्सचर के केस में जो है वो ऑब्जर्व मोल जो होंगे उनकी वजह से ही आपको डेंसिटी मिलेगी, तो डी ऑब्जर्व जो है वो अपने पास निकल के आ जाएगा 104.25, और इसको जब मैं डिवाइड करूंगा, देखो अल्फा जो है वो कितना है 0.8, तो ये 1.8 हो जाएगा, तो 1.8, और इसको सॉल्व करोगे तो ये ऑलमोस्ट अपने पास आ जाएगा 57.9 के करीब, ठीक है ना। तो ये हो गया भैया केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो अपने पास है भैया ये, इसमें आपको पूछा है कि व्हेन 1 मोल ऑफ KClO3 टेक्स 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट इज, तो भैया KClO3 है, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, और +5 है ये क्या कर रहा है भैया 4 मोल इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो नया ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा हो जाएगा +1, तो आपको ये बताना कि किसमें नया ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, ClO- में ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आ रहा है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है भैया क्वेश्चन नंबर 88। तो 88 नंबर क्या बोल रहा है आपको, बोल रहा है देखना जरा कि द
इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इज KT इक्वल टू LN सी नॉट माइनस LN CT. सी नॉट जो है वो T इक्वल टू जीरो पर कंसेंट्रेशन, CT जो है वो अपने पास बेसिकली T टाइम पर कंसेंट्रेशन. द स्ट्रेट लाइन ग्राफ इज ऑप्टेंट. ठीक है, तो भैया बेसिकली आपको पूछना चाहता है कि स्ट्रेट लाइन जो है वो कब ऑप्टेंट होगी, किस किस के बीच में ग्राफ बनाऊं. सीधा सा काम है, देखो कि KT इज इक्वल टू आपको दे रखा है LN सी नॉट माइनस LN CT. ठीक है, तो अगर आपको ग्राफ बनाना है तो मैं काम कर रहा हूं, टी को इधर रख रहा हूं और इस पूरे को उधर लेके जा रहा हूं, तो अपने पास आ जाएगा LN C नॉट अपॉन. या एक चीज देखो, ये वाला ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा है, ऐसा नहीं है क्या? इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता. देखो जरा कि भैया KT इज इक्वल टू LN C नॉट माइनस LN CT. लॉग ए माइनस लॉग बी को क्या लिख सकते हैं? लॉग ए अपॉन लॉग बी. तो KT इज इक्वल टू LN C नॉट बाई CT. बोलो लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं. तो T इज इक्वल टू 1 बाई के और ये आ जाएगा LN C नॉट बाई CT. कहने का मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, बिल्कुल वही इक्वेशन अपने पास बन रही है. तो अब आपको जो है वो ग्राफ बनाना है. देखो जरा किस किस के बीच में ग्राफ बनाऊंगा. एक तो एक तरफ तो T हो जाएगा, दूसरी तरफ जो है वो अपने पास CT आएगा. इसको मैं ऐसे लिखूंगा, T इज इक्वल टू 1 बाई के LN C नॉट माइनस 1 बाई के LN CT. बोलो ऐसा लिख सकता हूं क्या? ठीक है, वापस मैंने जो है वो a अपॉन b को a माइनस b लिख दिया. देखो y इज इक्वल टू, ये हो गया x एक्सिस पर LN CT, ये अपने पास हो जाएगा स्लोप m, ये हो जाएगा भाई अपने पास इंटरसेप्ट. तो अब देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बन रहा है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है. तो भैया एक तो टाइम एक लॉग CT के बीच में ग्राफ बनाओगे ना, तो अपने पास जो वो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी. ठीक है, तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89. देखो जरा IUPSC नेम से रिलेटेड क्वेश्चन है, बोल रहा है कि कौन सा गलत नाम है, इसका नाम अपन देखते हैं. तो भैया एक तो ट्रिपल बॉन्ड है, एक अपने पास जो है वो डबल बॉन्ड है. ज्यादा प्रेफरेंस जो है बेसिकली हम किसको देते हैं? इन को देते हैं, यानी डबल बॉन्ड को देते हैं. फिर इसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड को देते हैं, तो नंबरिंग यहां से होगी अपने पास जो है यहां से नंबरिंग होगी. अगर मैं तो 1, 2 ये हो जाएगा 3, 4, 5 और ये 6, तो ये होगा 5-bromo-6-chloro. ठीक है, तो एक तरीके से आप बोल सकते हो भैया जो पहला नाम है वो बिल्कुल क्या है, सही है. ठीक है, फिर जो वो अपन दूसरे की तरफ आते हैं, तो दूसरे नाम की तरफ अपन देखें, तो यहां से देखो ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो OH को जो है मैं क्या करूंगा, 1, 2, 3, 4, 5 ये इसका नाम आएगा. तो ये 5-methyl होना चाहिए, तो 5-methyl नहीं, 2-methyl दे रखा है. तो इसका मतलब दूसरा गलत है एक. तो आगे चेक कर लेते हैं और भी कोई गलत हो सकता है. ये डबल बॉन्ड और फिर इथाइल, तो ज्यादा प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को, एक नंबर इसको दूंगा 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो 5-ethyl हो जाएगा, 1-methyl है, साइक्लोहेक्सीन है, तो ये बिल्कुल सही नाम, सही नाम है. यहां पर देखते हैं तो भैया यहां पर 1, 2 ये 3 ये 4 और इथाइल में 5 और ये 6, टोटल जो है वो 6 कार्बन की चेन हो गई. तो ओवरऑल 2,4-dimethylhexane है ये, तो बिल्कुल इसका नाम भी सही है. दूसरा वाला नाम गलत है, बाकी सारे नाम जो है वो क्या है, सही है. तो ये हो गया IUPSC से रिलेटेड क्वेश्चन. नेक्स्ट अपन आगे चले, तो भैया देखो क्वेश्चन नंबर है 90. आपको बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स द बेस्ट सबस्ट्रेट ड्यूरिंग द एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एमाइड. देखो एमाइड जो होता है उसका आपको एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाना है, RCO और ये NH2. ठीक है, और हमें पता है कि एसिडिक हाइड्रोलाइसिस है तो H+ प्रेजेंट है. अब अगर H+ है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कहीं पर भी एक से ज्यादा टाइप की रिएक्शंस हो रही होती है, वैसे एसिडिक हाइड्रोलाइसिस आप करवाओगे तो भैया मुझे पता है कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया बनेंगे. ठीक है, लेकिन सबसे पहले रिएक्शन कौन सी होती है? एसिड बेस, क्योंकि H+ है और यहां पर जो है वो ये भी लोन पेयर डोनर है और ये भी लोन पेयर डोनर है, तो एसिड बेस रिएक्शन, लोन पेयर डोनर बेस होता है और जो अपने पास H+ है वो एसिड है. तो भैया देखो जरा, इन दोनों में से जो स्ट्रॉन्ग होगा, इन दोनों में से जिसकी डोनर टेंडेंसी ज्यादा होगी वो पहले रिएक्शन करेगा. इसका लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में जा रहा है इस CO के साथ, लेकिन इसके दोनों लोन पेयर जो है वो लोकलाइज्ड है. इसके लोन पेयर डीलोकलाइज्ड, इसके लोन पेयर लोकलाइज्ड है. ठीक है, और लोन पेयर लोकलाइज्ड है तो ये ज्यादा बेसिक है, ये सबसे पहले H+ को क्या करेगा भैया, लोन पेयर देगा. तो अपने पास RCOH और ये पॉजिटिव और ये NH2, ये स्पीसीज जो है वो पहले बनेगी. कहने का मतलब आपको कुल मिला के ये पूछना चाहता है ज्यादा बेसिक कौन है, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन जो है वो यहां पर ज्यादा बेसिक होगा, अपने पास ये वाली स्पीसीज पहले बनेगी. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 90. आगे अगर बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 91 आपको बोल रहा है भैया प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सिक्वेंस. इसका जो है वो आपको प्रोडक्ट बताना है. देखना कि भैया Cl2Al3,
ये जो है वो एक तरीके से हैलोजिनेशन की रिएक्शन है। यहां से इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा सीएल प्लस, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा? ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर, क्योंकि यहां पर इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिलेगी। सीएल का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए हम पैरा वाला जो है वो यहां पर मेजर बनाएंगे। तो यहां पर CH3, ये जो है वो अपने पास जो वो सीएल ये मेजर बना, ठीक है। फिर इसके बाद में जो है वो आगे अपने पास अभी एच इसका नाइट्रेशन करवाना है HNO3 की प्रेजेंस में। तो यहां से जो है वो आपको NO2 न्यूक्लियोफाइल सॉरी इलेक्ट्रोफाइल जो है वो मिलेगा। NO2 कहां जाएगा? ऑर्थो पोजीशन पर ही जाएगा, क्योंकि पैरा तो खाली है नहीं, तो यहां जोड़ दो चाहे यहां जोड़ दो। तो यहां पर जो है वो NO2 बना, यहां तक अपन पहुंच चुके हैं। इसका हाइड्रोजिनेशन करवा दो तो ये बदल जाएगा किसमें भैया? NO2 का अगर आप हाइड्रोजिनेशन करवाओगे ना तो ये बदल जाएगा किसमें? NH2 में, ठीक है। और NH2 के साथ जब NaNO2 HCl या HNO3 इसकी रिएक्शन करवाओगे और इसको जो है वो साथ में HBF4, ये क्या करता है भैया? बेसिकली ये जो है यहां पर तो अपने पास जो है वो क्या बनेगा भैया? डाइएजोनियम सॉल्ट बनेगा। तो डाइएजोनियम सॉल्ट को जब आप हीट करते हो, है ना, ये अपने पास जो है वो डाइएजोनियम सॉल्ट बना, ठीक है। और जब आप इसको जो वो ये सीएल एज इट इज जब आप इसको हीट करोगे BF4- के साथ, तो भैया ये अनस्टेबल होता है। और ये फ्लोरीन, इस का नाम जो है वो एक्चुअल में फ्लोरीन जोड़ने वाली शायद बाल्जी-सीमान रिएक्शन होती है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, आप देख लेना एक बार। तो ये फ्लोरीन जोड़ने का काम करता है, ठीक है ना। तो फाइनल प्रोडक्ट जो है वो अपने पास ये वाला बनेगा। फिर जो है वो नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो अपने पास है भैया क्वेश्चन नंबर 92। ये आपको ये बोल रहा है कि भैया द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव ए डार्क ब्लू कलर, ये ब्लू कलर विद आयोडीन। आयोडीन के साथ ब्लू कलर देने का जो टेस्ट है ये स्टार्च का होता है, स्टार्च का, ठीक है ना। ये आपको डायरेक्टली याद रहे रखना है, एनसीईआरटी की लाइन है, इसलिए जो है वो आपको याद ही रखनी है। कोई कंसेप्चुअल चीज तो है नहीं जो अपन यहाँ पर डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन जो है वो आपको ये दे रखा भैया ग्रिग्नार्ड एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड की रिएक्शन है। तो यहां पर देखो MgBr के साथ ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओगे इसकी, तो पहले जो है वो अपने पास क्या बनेगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। फिर इसकी मिथाइल इथेनोइड के साथ रिएक्शन करवा दो, तो मिथाइल इथेनोइड के साथ रिएक्शन करवाऊंगा, तो देखना जरा क्या बनेगा। इसके लिए जो है मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूं। अपने पास जो एक कंपाउंड दे रखा है कुछ इस तरीके का, यहां पर सी एस थ्री है, यहां पर जो आपको बी आर दिया है। रिएक्शन जो आपको करवानी है वो मैग्नीशियम के साथ करवानी है ड्राई ईथर या ईथर की प्रेजेंस में, ठीक है। तो अपने पास जो पहले बनेगा भैया ग्रिग्नार्ड, ये जो है वो MgBr बनेगा। MgBr जो है वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, यहां से आपको ये वाला न्यूक्लियोफाइल मिलेगा। अब इसकी रिएक्शन जो है आपको जो है वो करवानी है मिथाइल एथेनोइट, इस कंपाउंड का नाम जो होता है वो मिथाइल एथेनोइट होता है। तो ऐसे डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करवाऊंगा, ये वाला बॉन्ड यहां पर आएगा। तो पहले स्टेप में तो हमारे पास जो है वो ये वाली रिएक्शन होगी भैया, ये जो है वो कुछ इस तरीके से जुड़ेगा, ये सी एस थ्री और यहाँ ओ सी एस थ्री। अब ओ सी एस थ्री जो है वो एक अच्छा गुड लिविंग ग्रुप है, तो ओ सी एस थ्री यहाँ से क्या होगा? बाहर हो जाएगा, और यहाँ से बाहर होगा तो पहले स्टेप में तो अपने पास सी ए वाला बनेगा। लेकिन भैया जी रिएक्शन जो है वो यहाँ पर रुकेगी नहीं, अपने पास जो ग्रिग्नार्ड और रखा है और पड़ा है, तो और अगर ग्रिग्नार्ड है तो भैया ये वाला ग्रिग्नार्ड जो है वापस से इसके साथ क्या करेगा? MgBr, और ये वाला जो वापस से इस पर अटैक करेगा, वापस से इस पर अटैक करेगा ये वाला बॉन्ड इधर। और फाइनली जब हम क्या करवा देंगे भैया इसका हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे, तो यहाँ OH आ जाएगा, दो इस पर जो है वो ये वाले ग्रुप जुड़ जाएंगे, एक तो ये ऐसे जुड़ गया, एक जो है वो ये वाला ग्रुप ऐसे जुड़ गया। तो इस तरीके का कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी दोनों बेंजीन वाली जो रिंग है ये एक बीच में कार्बन से जुड़ेगी, एक CH3 और एक OH, ऐसा कोई प्रोडक्ट जो है वो आपको यहां पर इस क्वेश्चन में ढूंढना है। तो ढूंढते हैं, तो भैया देखो जरा दो रिंग जो है वो एक ही में जुड़ी है, इस वाले में जुड़ी है, तो ये ही अपना जो है वो क्या हो जाएगा भैया? आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर अपने पास कौन सा है? फोर्थ इज करेक्ट। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का कंसेप्ट सिंपल सा काम है भैया, कोई ज्यादा इतना समझाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपने पास ऐसा ही है। आपको जो है वो ये बोल रहा है कि भैया एक कन्वर्जन आपको दिया है और इसको जो है वो आपको इसमें कन्वर्ट करना, कौन सा रिएजेंट सुटेबल है, कैसे किया होगा? तो भैया इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए आपको जो है वो सीधा सा काम ये करवाना है, इसकी रिएक्शन जो है वो हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ, ये वही रिएक्शन है, अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव वाली जो है वो रिएक्शन है। अमोनिया अमोनिया डेरिवेटिव के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो एडिशन एलिमिनेशन टाइप की रिएक्शन होती है, ड्राई एचसीएल की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है,
अगर 1 डिग्री एमाइन के साथ रिएक्शन करवाते हो तो शिप बेस बनता है, तो ये बिल्कुल जो है शिप बेस ही है एक तरीके का। तो CH2CH3 के साथ रिएक्शन करो, एडिशन एलिमिनेशन टाइप की रिएक्शन डायरेक्टली आप ऐसे वाटर मॉलिक्यूल बाहर कर सकते हो, ड्राई HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। तो भैया ये सबसे अच्छा तरीका है यहाँ पर। अच्छा यहीं पर जो है वो अगर हम क्या करते हैं, यहीं पर आप बेसिक मीडियम ले लेते हो जैसे एथेनॉल ग्लाइकोल ले लेते हो तो रिएक्शन में वोल्फ किशनर रिडक्शन हो जाता है। अगर यहां पर जो वो आप हाइड्रोजन ले लेते हो और एथिलीन ग्लाइकोल तो वोल्फ किशनर रिडक्शन हो जाता है। तो HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, 1 डिग्री एमीन के साथ आपको रिएक्शन करवानी है, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भैया नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। ये आपको क्या बोल रहा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नाइदर रिएक्ट विथ न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन, यानी FeCl3 के साथ रिएक्शन नहीं करता, इसका मतलब उसमें फिनोलिक ग्रुप नहीं है, ठीक है। FeCl3 के साथ रिएक्शन करने का मतलब फिनोलिक ग्रुप होना चाहिए, तो फिनोलिक ग्रुप नहीं है यानी ये वाला कंपाउंड नहीं हो सकता। नॉर फेलिंग सॉल्यूशन के साथ भी रिएक्शन नहीं करता, इसका मतलब एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, एल्डिहाइड जो होता है वो फेलिंग के साथ रिएक्शन करता है, तो एल्डिहाइड वाला भी इसमें नहीं है यानी कि ये वाला भी नहीं हो सकता। आगे आपको बोल रहा है इट हाउएवर रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है भैया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है, तो फिर आगे बोल रखा एंड गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, इसका मतलब यह है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव है, तो या तो उसमें यह वाला ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए या फिर उसमें जो है वो ये वाला ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, या तो ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए या फिर उसमें जो है वो ये वाला ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई ग्रुप आता है तो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट मिलता है। इसमें तो है नहीं भैया, ऐसा ग्रुप भी नहीं है, ऐसा ग्रुप भी नहीं है, इसमें है देखो ये वाला, ठीक है। तो ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट भी देगा, ये ग्रिग्नार्ड के साथ भी रिएक्शन करेगा, ये FeCl3 के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ये फेलिंग के साथ भी रिएक्शन नहीं करेगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो भैया क्वेश्चन नंबर 96 जो है वो आपको क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एमाइन कैन बी प्रिपेयर्ड बाई गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन जो है वो 1 डिग्री एमाइन बनाने का एक अच्छा मेथड होता है, ठीक है। तो इसमें 1 डिग्री एमाइन बनेगा, ट्राई इथाइल एमाइन ये नहीं बन सकता, नियोपेंटाइल एमाइन ये 1 डिग्री है, टर्सरी ब्यूटाइल एमाइन ये भी अपने पास 1 डिग्री है, एन ब्यूटाइल एमाइन ये भी 1 डिग्री है। तो अब इन तीनों में से कौन सा जो है वो बन सकता है, तो भैया इनमें जो है वो एन ब्यूटाइल एमीन बनेगा, ये 1 डिग्री होते हुए भी नहीं बनते, क्योंकि यहां जो रिएक्शन होती है वो SN2 होती है। देखो बीच में एक SN2 रिएक्शन आती है, कैसे, ये अपने पास गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन में हम क्या करते हैं थैलिक एनहाइड्राइड काम में लेते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन आप अमोनिया के साथ करवाते हो, तो ये अपने पास जो NH3, इसको मैं शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूं, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो यहां से क्या हुआ बाहर निकला, तो अपने पास जो है वो पहले बनता है, इसको बोलते हैं थैलेमाइड, इस कंपाउंड का नाम। यहां पर बीच में जो है वो अपने पास है भैया नाइट्रोजन, ये जो है बीच में नाइट्रोजन और एन और एच, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन जो है वो हम करवाते हैं भैया एक तरीके से KOH के साथ, तो एसिड बेस रिएक्शन होती है, बीच में अपने पास सॉल्ट बनता है, इसको जो है वो हम बोल देते हैं भैया पोटेशियम थैलेमाइड, ठीक है, ये N-K+ पोटेशियम थैलेमाइड। इसकी रिएक्शन जो है वो हम करवाते हैं देखो एल्काइल हैलाइड के साथ, अब ये माइनस और ये प्लस, तो ये वाला इस पर अटैक करेगा, ठीक है, और जो है वो बेसिकली यहां पर जब अटैक होगा तो ये SN2 टाइप की रिएक्शन होगी, तो इस पर स्टेरिक इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, R पर कम होना चाहिए, ज्यादा स्टेरिक इंटरेस्ट होगा तो रिएक्शन नहीं होगी। तो यहीं पर जो है वो SN2 टाइप की रिएक्शन होती है और हमें कम स्टेरिक इंटरेस्ट वाला जो है वो आर यहाँ पर लेना चाहिए, तो इसलिए जो है वो हम जो नियो वाला ग्रुप है वो नहीं ले सकते, जो अपने पास टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है वो नहीं ले सकते, बल्कि ग्रुप होता है तो स्टेरिक इंटरेस्ट क्या होता है ज्यादा होता है। अब इसका आप करवा दो हाइड्रोलाइसिस, बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करवा दो, तो हाइड्रोलाइसिस होगा, ये टूटेगा, ये एच, ये OH, ये एच और ये OH, डायरेक्ट मेथड अपने पास यही है। तो अपने पास एक तो बन जाएगा भैया RNH2 और साथ में जो वापस से थैलिक एसिड जो है वो क्या हो जाएगा रिकवर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें जो वो आंसर कौन सा जाएगा, सेकंड वाला जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन कंसेप्ट दोनों अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97। आपको बोल रहा है इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ विल बी, ठीक है भैया देखो एमाइन की जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है दो मीडियम में हम चेक करते हैं, एक तो गैसियस मीडियम में, दूसरी जो है वो हमारे पास होती है एक्वस मीडियम में, ठीक है ना। तो भैया गैसियस मीडियम में तो हम केवल इंडक्टिव इफेक्ट चेक करते हैं, लेकिन जो एक्वस मीडियम होता है वहां पर इंडक्टिव इफेक्ट के साथ साथ हमें जो है वो एक तरीके से स्टेरिक हिंड्रेंस भी देखना पड़ता है, वो भी कवर करना पड़ता है। तो एमाइन जो है वो RNH2 टाइप के जितने भी अपने पास होते हैं, ठीक है, इनमें अगर मैं कहता हूं कि अगर R जो है वो अपने पास CH3 है,
तब तो बेसिक स्ट्रेंथ का जो एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है वो अपने पास होता है 2 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 1 डिग्री, फिर जो वो 3 डिग्री, फिर 0 डिग्री। और अगर R जो है वो यहां पर C2H5 होता है तो अपने पास 2 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 0 डिग्री, ये ऑर्डर आता है। तो अब यहां पर जो है वो RC2H5 आपको दिया है तो सबसे ज्यादा 2 डिग्री होगा, फिर जो वो 3 डिग्री आएगा तो 3 डिग्री तो मुझे किसी भी ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, तो 2 के बाद में 1 डिग्री, 0 डिग्री का मतलब है बेसिकली अमोनिया NH3। तो देखो जरा, सबसे ज्यादा आ जाएगा अपने पास डाइथाइल एमाइन, ठीक है, ये हो गया 2 डिग्री, फिर जो वो अपने पास आ जाएगा भैया इथाइल एमाइन, और फिर आ जाएगा अपने पास अमोनिया। ऐसा कोई ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है अपने पास, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर है भैया अपने पास 98। क्वेश्चन नंबर 98 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, आपको बोल रहा है कि भैया लैम्डा एम, ठीक है, एक्चुअल में कैपिटल एम है, इज इक्वल टू, यानी कि लैम्डा मोलर फॉर NH4OH। देखो जी, आपको NH4OH जो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कोलराउस लॉ लगाना है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब भी हम क्या करते हैं भैया, इसके लिए जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो निकालते हैं, तो आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत पड़ती है। तो आप पहले सोचो NH4OH के लिए कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। तो भैया आपको कौन कौन से आयन चाहिए, एक तो NH4 आयन चाहिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब एक तो NH4 आयन चाहिए, एक मुझे OH- चाहिए, और दोनों ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आने चाहिए। तो ये मैं ले लेता हूं किससे, NH4Cl से, तो एक तो NH4Cl काम में ले सकता हूं, एक मैं NaOH काम में ले सकता हूं। अगर मैं इन दोनों को जोड़ाऊंगा तो NaCl एक्स्ट्रा बनेगा, तो इसलिए साथ में आपको एक NaCl काम में लेना पड़ेगा। तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की सहायता से हम एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। कैसे, क्या लिखूंगा, तो मैं ऐसे लिखूंगा लैम्डा एम नॉट फॉर NH4Cl, ये अपने पास बराबर होगा लैम्डा एम फॉर NH4Cl प्लस लैम्डा एम फॉर, ये नीचे अपने पास आ जाएगा NaOH, और माइनस इसमें से आपको लैम्डा एम नॉट NaCl जो है वो क्या करना पड़ेगा भैया, इसमें से घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या जिसमें NaCl को माइनस किया हो, दो को जोड़ा हो, सेकंड वाला जो है वो अपने पास क्या है, सही है। तो यहां पर भी जो है वो इलेक्ट्रो का क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट जो है वो आपके समझ में आ गया होगा, कोलराउस के नियम से संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है भैया ग्लूकोज और गैलेक्टोज हैविंग आइडेंटिकल कॉन्फिगरेशन इन ऑल पोजिशन एक्सेप्ट पोजिशन। भैया ग्लूकोज और जो गैलेक्टोज होता है इनमें 4 नंबर कार्बन की पोजिशन जो है वो डिफरेंट होती है। अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं तो H OH, 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 और यहां पर H OH, और ये CH2OH, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ये तो हो गया ग्लूकोज। अगर ग्लैक्टोज की बात करूंगा ना, तो ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में केवल यही पर डिफरेंस आता है, ये अपने पास CHO, ये H OH, OH, H, ये OH, H, और ये H OH, तो ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। देखो जरा 4 नंबर कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में क्या आ रहा है, अंतर आ रहा है, बाकी सब कुछ सेम होता है, तो C4 में अंतर होता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट अपने पास लास्ट क्वेश्चन है भैया क्वेश्चन नंबर 100। ये आपको क्या बोल रहा है कि XY2 डिसोशिएटेड एज X2, XY2 जो है ये टूटा, कैसे टूटा भैया, ऐसे टूटा XY गैस प्लस Y गैस, ठीक है। फिर आपको यह बोल रखा है कि वेन द इनिशियल प्रेशर ऑफ XY2 इज 600, मतलब T बराबर 0 पर इसका प्रेशर दे दिया 600, ये 0 हो जाएगा, ये 0 क्योंकि इनिशियल में तो प्रोडक्ट होता नहीं है। फिर आपको यह बोल रखा है कि द टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर इज 800 MMHg। देखो जरा कि कुछ समय बाद में जब इक्विलिब्रियम आया एट T बराबर इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम पर मान लो इसमें से एक्स टूटा, ठीक, इसके एक से इसका एक बनता है तो इसके एक्स से इसका एक्स बनेगा, अगेन इसके एक से इसका एक बनता है तो एक्स से इसका कितना बनेगा भैया, एक्स बनेगा। तो अब मैं बोलूंगा कि जो टोटल प्रेशर होगा ना इक्विलिब्रियम पर वो किस किस के कारण होगा, X2 के कारण प्लस XY के कारण प्लस Y के कारण, यानी कि जो टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 600 - X प्लस एक्स प्लस एक्स, यानी कि ये प्लस ये प्लस ये, तो ये कैंसिल हुआ, कहने का मतलब 600 प्लस एक्स, और टोटल प्रेशर दे कितना रखा है भैया जी आपको, 800 दे रखा है। यहां से एक्स निकाल लेते हैं तो एक्स बराबर अपने पास कितना आ गया, 200, ठीक है, यानी कि साम्य पर इसका जो आंशिक दाब है ये 200 है, इसका पार्शियल प्रेशर 200, इसका भी पार्शियल प्रेशर 200, इसका 600 - 200 कितना हो जाएगा, 400। अब आपको सिंपली क्या पूछा भैया जी, इसका केपी आपसे पूछा गया है,
तो केपी के लिए मैं क्या बोलूंगा, देखो केपी का एक्सप्रेशन कैसे आएगा, वाई का पार्शियल प्रेशर, ये कंसंट्रेशन नहीं पार्शियल प्रेशर है, पी वाई इंटू यहां पर आ जाएगा पी एक्स वाई डिवाइड बाई पी एक्स वाई टू, समझे बात को। तो भैया रख देते हैं वैल्यूज, तो केपी इज इक्वल टू भैया पी वाई का प्रेशर 200, पी एक्स वाई का प्रेशर 200 और इसका प्रेशर कितना आया जी 400, ये हुआ कैंसिल टू टाइम्स, कितना आएगा केपी की वैल्यू आएगी 100। तो ये था भैया आपका पेपर, उम्मीद करते हैं पूरा पेपर आपका अच्छा गया होगा। आज के पेपर पूरा जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड था, डीसीएम के सारे पेपर आपको पता है एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, आगे भी ऐसे ही पेपर बनेंगे, तो आपको ध्यान में रखना है पूरा पेपर जो काफी अच्छा कंसेप्चुअल पेपर था। इससे पहले का पार्ट जो इनऑर्गेनिक वाला पार्ट है वो डूडी सर ने आपसे डिस्कस कर ही लिया होगा, ठीक है। तो सीएलजी के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, थैंक यू।